गुड आफ्टरनून गाइस, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सर भैया, तो आफ्टरनून ही है यार। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सीसीएनपी डाउट से। सबसे पहले दे देता हूं मैं आपको सिलेबस का ओवरव्यू। सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसमें राउटिंग। राउटिंग हम दो राउटेड प्रोटोकॉल्स के लिए पढ़ेंगे। राउटेड प्रोटोकॉल्स कौन से हैं? IPv4 और IPv6। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, कौन बनेगा करोड़पति है? राउटिंग प्रोटोकॉल एंड राउटेड प्रोटोकॉल, व्हाट इज द डिफरेंस? इट्स नॉट लाइक कि आपको हर आंसर टेक्नोलॉजी टर्म्स में देना है, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, आपको पता हो बस। आ जाओ बैठ। हाँ जी, वर्ड ही बता रहा है, राउटिंग और राउटेड। राउटिंग इज द प्रोसेस फ्रॉम डेटा पैकेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, बट राउटेड इज द राउटेड प्रोटोकॉल इज बेसिकली यूज्ड टू कैरी द डेटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। वेरी गुड। देखो मैंने एक रोड बना दी, आई हैव बिल्ट अ रोड फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़, ये हो गई राउटिंग, मैंने एक रास्ता बना दिया। राउटेड क्या है? वो बस है जो पैसेंजर्स को लेके जाएगी कहां से कहां तक, दिल्ली से चंडीगढ़ तक। इसका मतलब राउटेड का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय राउटेड? जो चीज पैकेट को कैरी कर रही है, इट कैन बी IPv4 पैकेट, इट कैन बी IPv6 पैकेट। तो राउटेड प्रोटोकॉल कौन से? IPv4 और IPv6। ओके, जैसे आप लोग इंडस्ट्री में काम करते हो, आपको पता हुआ यार एक IPX नाम का भी प्रोटोकॉल था कभी इंडस्ट्री में, तो वो भी क्या था? एक राउटेड प्रोटोकॉल था। देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग लाइक दिस, आईपी क्या है और IPv6 क्या है, दोनों कंप्यूटर्स को आइडेंटिफाई करने के एक तरीके हैं। जैसे इंडिया में नाम एक अलग स्टैंडर्ड से दिया जाता है और यूएस में नाम एक अलग स्टैंडर्ड से दिया जाता है, इन द सेम वे आईपी भी क्या एक स्टैंडर्ड है और IPv6 भी क्या एक, और IPX भी क्या एक स्टैंडर्ड है। और नाउ डेज मोर ओवर यू स्टैंडर्ड कौन सा है? IPv4 और IPv6। और राउटिंग क्या है? व्हाट इज राउटिंग? टू बिल्ड अप अ वे, एक रास्ता बनाना राउटिंग है, और जो उस पर ट्रैवल करेगा एक्चुअली वो क्या होगा? राउटेड। तो अब एक बात बताओ, जब मुझे IPv4 को ट्रैवल कराना होता है तो मैं IPv4 राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करता हूं, जब मुझे IPv6 को ट्रैवल कराना होता है तो मैं IPv6 राउटेड प्रोटोकॉल यूज, सॉरी IPv6 राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करता हूं। कोई प्रॉब्लम? आपको पता है जैसे हम आपका EIGRP है ना, एज इट इज सपोर्टिंग IPv4, एज इट इज सपोर्टिंग IPv6, इट इज सपोर्टिंग IPX ऑल्सो, DCNet ऑल्सो। DCNet भी एक स्टैंडर्ड था जो हम थोड़ा टाइम पहले इंडस्ट्री में यूज करते थे, जैसे आज के टाइम में हम क्या यूज करते हैं? IPR, IPv6। ठीक है जी, ये सारे एड्रेसिंग स्कीमास थे जो पहले यूज होते थे, लेकिन nowadays we are not using it. Fine? IPX अभी यूज हो रहा है? नहीं यार, IPX डिप्लॉय नहीं करते हम। ठीक है जी, तो हम राउटिंग पढ़ेंगे, कौन से राउटेड प्रोटोकॉल्स के लिए, V4 के लिए और V6 के लिए। हम स्टार्ट करेंगे बेसिक्स ऑफ राउटिंग से, फिर हम चलेंगे किस पे? IP हेडर पे। उसके बाद हम आएंगे किस पे? टाइप्स ऑफ राउटिंग। उसके बाद हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे स्टैटिक। स्टैटिक में दो टाइप होंगी हमारी, एक प्योर स्टैटिक और एक डिफॉल्ट। उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स पे। डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल को हम कैटेगराइज कर लेंगे आगे कैसे, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स, एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स, और लास्ट कौन सा होगा? पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स। इस तरह से डिवाइड करूंगा मैं किसको? अपनी डायनेमिक राउटिंग। ठीक है भाई, अब इस डायनेमिक राउटिंग को कैटेगराइज करने के बाद DBRP कौन सा प्रोटोकॉल है? LSRP, OSPF, EIGRP और BGP। ठीक है जी, अब सबसे पहली बात बता देता हूं,
इन प्रोटोकॉल्स को हम दो राउटेड प्रोटोकॉल्स के लिए पढ़ सकते हैं, या तो आईपी वी फोर के लिए या फिर आईपी रिप का सिर्फ आईपी वी सिक्स है आपके सिलेबस में, ओएसपीएफ वी फोर भी है वी सिक्स भी है, ईआईजीआरपी वी फोर भी है वी सिक्स भी है, और बीजीपी वी फोर भी है और वी सिक्स भी है। ठीक है भाई, तो मैं स्टार्ट करूंगा आईपी वी फोर से। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट विद ईआईजीआरपी, देन आई विल मूव टू ओएसपीएफ, देन आई विल मूव टू बीजीपी, फिर मैं स्टार्ट करूंगा आईपी वी सिक्स। सबसे पहले पढ़ाऊंगा आईपी वी सिक्स का बेसिक, उसके बाद आईपी वी सिक्स का हेडर, उसके बाद आईपी वी सिक्स में कितने टाइप्स की राउटिंग होती है, उसके बाद दो टाइप की राउटिंग होती है, स्टैटिक और डायनेमिक। व्हाट आई वांट टू से, जितना मैं वी फोर के लिए कवर करता आया था वही मैं सेम किसके लिए कवर करूंगा, वी सिक्स के लिए। हाँ जी, हाँ जी, मैं आपको सिर्फ आईपी वी सिक्स हेडर की इंफॉर्मेशन दूंगा, मैं आपको रिप एनजी के हेडर्स के बारे में नहीं बताऊंगा। मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, मैं राउटेड प्रोटोकॉल है जो आईपी वी सिक्स उसकी आपको पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा, लेकिन रिप के लिए जो आप प्रोटोकॉल यूज करोगे राउटिंग प्रोटोकॉल रिप एनजी, उसके बारे में हम कोई डिटेल पैकेट इंफॉर्मेशन के बारे में बात नहीं करते, कोई डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं होगी। हाँ जी, जितनी चीजें यार हम आईपी वी फोर के लिए पढ़ेंगे उतनी सब चीजें हम आईपी वी सिक्स के लिए भी पढ़ेंगे, वो चीज समझ में आ गया, लेकिन आप प्रोटोकॉल के साथ यूज कर रहे हैं, बट लेकिन ये जो हम कांसेप्ट यूज करेंगे डेंसिटी के नेटवर्क डिजाइन होगा तो आईपी के बगैर चले जाएंगे। हां जी, तो उनके लिए हमें आईपी को पढ़ना पड़ेगा, आईपी की 6 है नई कांसेप्ट है, उनकी यूआई फॉर्मेट है, मैक एड्रेस के, तो सर वो सब चीजें सीसीएनए में पढ़ चुके हो ना, सीसीएनए सर कितना से बता दीजिए, बुक लाओ दिखाऊं, बुक कम से कम मैं देख रहा हूं, मैं भी देखा हूँ, पढ़ाता हूँ यार मैं, पहले किया हुआ तो नहीं था ना, हाँ हम यार हर चीज दोबारा नहीं कर सकते ना, तो फिर आप इट्स लाइक दिस यार, अगर मैं एक क्लास फालतू लेता हूँ तो पूरा बैच एकदम खिंचता है, ये बात है यार, और कुछ नहीं है। जितना मैं वी फोर के लिए बताऊंगा उतना ही मैं वी सिक्स के लिए बताऊंगा, इट्स नॉट लाइक अपन भी बुक चेक कर लेना, अगर बुक में से कुछ रह गया हो दोबारा पूछ लेना। ठीक है भैया, आपकी भी कर देंगे। उसके बाद टॉपिक आता है एक पीबीआर पॉलिसी बेस्ड राउटर, ठीक है जी, प्लस आईपी एसएल क्या होता है, क्या होता है बात करेंगे तब जब अपना टॉपिक आएगा। इसके बाद हमारा सिलेबस क्या हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है जी, ये आपका सीसीएनपी राउट का सिलेबस। अब दो चैप्टर के बारे में मैंने इसमें नहीं लिखा यार, एक चैप्टर है आपका वैन के बारे में जिसमें आपका उसने बकवास कर रखी है एमपीएलएस L3 VPNs के बारे में, एमपीएलएस L2 VPNs के बारे में। मैं सिर्फ क्या कर सकता हूँ, अगर आप लोग बीजीपी ढंग से पढ़ लेते हो जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बता सकता हूँ एमपीएलएस VPNs के बारे में, मैं आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दूंगा एमपीएलएस का, उसके साथ मैं आपको बता दूंगा एमपीएलएस VPNs के बारे में, दो तरह के VPNs होते हैं लेयर 3 और लेयर 2 और कैसे काम करते हैं, अगर आपने बीजीपी सही से पढ़ा तो। क्योंकि प्रॉब्लम क्या आएगी यार, वो मेरी टेंशन बढ़ जाएगी आप लोगों को समझाना, क्योंकि पहले आपका क्या क्लियर होना चाहिए बीजीपी, क्योंकि एमपीएलएस अकेला कुछ नहीं है, जैसे आपकी नॉर्मल आईपी राउटिंग काम करती है वैसे ही आपका नॉर्मल एमपीएलएस काम करता है, बस फॉरवर्डिंग के लिए वो आईपी यूज करता है वो लेबल यूज करता है, बस इतना सा ही फर्क है, बाकी जो मेन चीज है एमपीएलएस के बारे में दैट इज एमपीएलएस एप्लीकेशंस वी आर यूजिंग नाउअडेज, MPLS एप्लीकेशन जैसे कि MPLS VPNs, L3 VPNs, L2 VPNs, तो इसके बारे में हम बात कर सकते हैं, पर तभी जैसे कि मैंने आपको एक कंडीशन बताई अगर आपको बीजीपी आता होगा तो। ठीक है जी, बाकी मैं आपकी एक क्लास VPN पे लूंगा, एक पूरी क्लास हमारी सिर्फ VPN पे होगी जिसमें हम ये समझेंगे कि टनल्स क्या होती हैं भाई, मतलब GRE टनल क्या है, पॉइंट टू पॉइंट टनल्स क्या होती हैं, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट टनल्स क्या होती हैं, कितनी तरह के VPNs होते हैं, तो ये रहेगा आपका सीसीएनपी राउट का सिलेबस। पर ये चीजें हम तभी पढ़ेंगे जो मैंने लास्ट में लिखी हैं इस एरो के बाद, कि जब आप यहाँ तक सही से पढ़ाई कर पाओगे तो, क्योंकि यार मुझे समझाना भी है, मैं नहीं चाहता कि मैं क्लास दूँ भी और वो ऐसे जाए, सन
ऊपर से, ठीक है जी। तो आज स्टार्ट करते हैं राउटिंग से। फाइन, एक स्पीड का इशू होता है, अगर आपको लगे तो आप बोल दें। फाइन, तो बहुत बेसिक सी बात करी मैंने, एक टर्म लिखी राउटर, इसका मतलब क्या होता है? ठीक है जी, मेरे पास एक सजेशन आया टू कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क। हाँ जी, आप सजेशन दो कुछ। तुम पूरा CCNA पढ़ चुके हो, तुम राउटर के बारे में 10 लाइनें लिख सकते। ओके, प्रोवाइड, एक मिनट, मैं देख यार, अब ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने शू लगा दिया इसमें, मैंने बटन ऑन नहीं किया। कनेक्टिविटी का मतलब दो लोग बात कर रहे हैं, कनेक्ट कर देने का मतलब दो लोग बात नहीं कर रहे। तो राउटर कनेक्ट भी करता है और कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड करता है, ठीक है जी। अगला पॉइंट, मेरे को नंबर ऑफ पॉइंट्स इकट्ठे करने हैं। ओके, देखो नया पॉइंट आया ना, रिड्यूस करता है किसको? ब्रॉडकास्टिंग। ओके, आपने एक बात बताई कि चूज करता है बेस्ट पाथ। चलो मैं कह रहा हूँ राउटर ये क्या, जब राउटर ये क्या, एक ही राउटर है मेरे पास, तो कैसा पाथ बेस्ट? इतनी बात समझ रहे हो सब लोग? मैं क्या कह रहा हूँ, एक ही राउटर है यार, ये स्विच है, ये मल्टीपल यूजर लगे हुए हैं, साइबर कैफे है यार एक। ये राउटर किससे कनेक्टेड है? ISP से। कैसा बेस्ट पाथ? राउटिंग में आएगी वो बात करेंगे, ठीक है जी। We can define routing. आप राउटर और राउटिंग को अलग रखो, राउटिंग पे चलेंगे। राउटर क्या होता है भाई? सारी जिंदगी हो भाई बोलते हुए, क्या होता है? लेयर थ्री डिवाइस होता है, ठीक है। यही लिख दो वर्क ऑन IP, उसके लिए अलग बनाऊं। चलो ठीक है जी, वर्क ऑन IP एड्रेस। और बताओ भाई राउटर के फीचर्स, कुछ प्रॉपर्टी बताओ तुम्हें राउटर के बारे में। हाँ जी, सो लिख दो, कैन बी कनेक्टेड टू अ स्विच एंड राउटर, कैन बी, ये हो गया रिड्यूस ब्रॉडकास्ट, कैन बी कनेक्टेड टू राउटर और स्विच, प्रोवाइड लैन और वैन कनेक्टिविटी। और बताओ भाई, ये लो राउटिंग का पीछा नहीं छोड़ रहे तुम लोग, इट मेंटेन्स राउटिंग टेबल। हाँ जी, क्वेश्चन सबके लिए, राउटिंग टेबल इज स्टोर्ड वेयर इन राउटर? दोबारा सोचो, NVRAM में। पक्का RAM में क्यों नहीं होती? तो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू, जब मैं राउटर को रीस्टार्ट करता हूँ, राउटिंग टेबल पहले से स्टोर होती है? बनती है भाई, ये डेंगू वाला मच्छर तो नहीं है। चलो ठीक है, सही जवाब उनके लिए जो लोग क्या सोच रहे थे, क्यों यार, रीजन है इसके पीछे लॉजिकल। जब आप राउटर को ऑन करते हो, लेट्स से दो राउटर थे, उनके ऊपर यही GRP चल रहा था, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तो दोनों ने रूट्स एक्सचेंज किए हुए थे, चार लूपबैक राउटर ए पे थे और चार लूपबैक ही राउटर बी पे थे। राउटर ए को बी के नेटवर्क के बारे में बता रहा और बी को ए के नेटवर्क के बारे में बता रहा, आपने दोनों राउटर को बंद कर दिया, तो जैसे राउटर बंद हुआ राउटिंग टेबल क्या हो गई? खत्म। अगर आपके रूल के अकॉर्डिंग अगर वो NVRAM में सेव होती तो राउटर बूट होता दोबारा, राउटिंग टेबल वैसे की वैसी रहनी चाहिए थी, पर वैसी नहीं होती, दोबारा राउटर स्टार्ट होगा, दोबारा वो दोनों राउटर नेबर बनेंगे, दोबारा अपडेट एक्सचेंज होंगे और दोबारा क्या बिल्ड होगी? राउटिंग टेबल। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, राउटिंग टेबल में एंट्री स्टेटिकली भी रह सकती है। मैंने क्या बोला? राउटिंग टेबल में एंट्री स्टेटिकली भी रह सकती है, पर पॉसिबल नहीं है ऐसा। क्यों? अब मैं आपको ना राउटर का राउटिंग टेबल बताने का प्रोसेस बताऊंगा, ये बात आप सब लोगों को पता है पहले से ही,
कि भाई एक राउटर दो नेटवर्क को कनेक्ट करने के काम आता है और कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है एज यू पीपल से, वेरी गुड। अब मेरा लॉजिक क्या है आपको ये बताना कि भाई राउटर राउटिंग टेबल बनाता कैसे, ठीक है भाई? आप क्यों बोलते हो भाई ये हैंड राइट हैंड है और ये हैंड लेफ्ट हैंड है? क्योंकि आपके अकॉर्डिंग आपका राइट ये और आपका लेफ्ट ये। आप क्या करते हो राउटर के इंटरफेस पे एक आईपी लिखते हो, लिख दिया आपने आईपी। आप अगर उस आईपी के साथ सबनेट मास्क डिफाइन नहीं करोगे राउटर कभी आईपी नहीं लेगा, नहीं लेगा। यस और नो? यस। यार ट्राई टू अंडरस्टैंड राउटर आपसे सबनेट मास्क मांग क्यों रहा है, क्योंकि राउटर देखना चाहता है मेरे से जो नेटवर्क कनेक्ट करने वाला है ये यूजर वो नेटवर्क कौन सा है। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड एक बात आएगी लोगों के मन में, अगर मैं एक राउटर के इंटरफेस पे आईपी और नेटवर्क दे रहा हूं, सॉरी आईपी और सबनेट मास्क डिफाइन कर रहा हूं, तो राउटर उससे नेटवर्क का कैसे पता लगा लेता है? क्वेश्चन, आपके पास अगर एक आईपी है और एक सबनेट मास्क है, आप नेटवर्क का कैसे पता लगाते हो? एंड ऑपरेशन करके। क्या करते हो? राउटर भी सेम काम करता है, क्या लगाते हैं उस पर एंड ऑपरेशन, और क्या निकाल लेते हैं? नेटवर्क आईडी। उस नेटवर्क आईडी को कैलकुलेट करने के बाद राउटर का प्रोसेसर क्या करता है? राउटर का प्रोसेसर देखता है जिस इंटरफेस पे वो डिफाइंड है, सबसे पहले चेक करता है उसका स्टेटस। ये चेक करता है स्टेटस, ठीक है जी? देखते हैं, अगर यार ना दिखे तो बता देना, मैं कलर चेंज कर दूंगा, वरना ऐसी प्रॉब्लम आएगी नहीं। अब एक बार चलने दे, तुम भी मेरी जिंदगी में रावण बने बैठे हो, कब आएगा दशहरा? और जान दे बस। ये देख यार, तेरा राउटर जब स्टार्ट होता है ना, तो राउटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके दोनों इंटरफेसेस को खुद डालता है स्टेट में, शट डाउन स्टेट में। एक्चुअली क्या होता है, ऐसा भी जरूरी क्यों है, उनको ऑन करके देखना जरूरी क्यों है? ट्राई टू अंडरस्टैंड, पोस्ट चलता है, पोस्ट एक्चुअली क्या करता है, हर हार्डवेयर पे पावर भेजता है, हर हार्डवेयर पे क्या जा रही है? अब जब हर हार्डवेयर पे पावर जाएगी तो ऑन तो अपने आप ही हो गया, यही तो चेक करता है कि सारा हार्डवेयर सही काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। उसने चेक किया आपका पोर्ट ऑन होता है, जैसे ही आप राउटर को भी ऑन करते हो तो देखना पोर्ट एकदम से ब्लिंक करेगा, ऑन हुआ फिर कैसे क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो एक बात हमेशा याद रखना, हेलमेट ओके बाप ये ले, वेलकम। आप कभी यहाँ जीएनएस में ये कमांड मत चलाना भाई, फिर लोग डर जाते हैं यार, तुम्हें तो यार फ्लैश में कोई फाइल ही नहीं है, ये राउटर कैसे चल रहा? तो ये एक जीएनएस सॉफ्टवेयर है, उसकी अपनी जो भी है कॉन्फ़िगरेशन है, मुझे भी नहीं पता। तो ठीक है भाई, ये नहीं चलानी आप, कहीं फ्लैश देखो इसमें फ्लैश आया नहीं है, ठीक है जी? इसका फ्लैश क्या होता है, आप आईओएस इमेज बाइंड करके रखते हो ना, तो वहीं से उठा लेता है जब भी आप चलाते हो। अब देखो जी, शो आईपी इंटरफेस, भाई दिख रही है सबको कमांड? एक मिनट बाबू, फिर कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, तो आपको क्या दिख रहा है भाई, ये इंटरफेस क्या पड़ा हुआ है? शट डाउन। ये क्या है? ये क्या है? प्रोटोकॉल। अभी मैंने आपको क्या बोला कि जब भी आप राउटर के इंटरफेस पे आईपी देते हो, दे दी शो आईपी इंटरफेस, शो आईपी, एंट्री आई राउटिंग टेबल में, एंट्री देखी मैंने इंटरफेस पे आईपी दे रखी है, लेकिन राउटर राउटिंग टेबल में कोई एंट्री इंस्टॉल नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा भाई? मैंने अभी आपको प्रोसीजर बताना है कि राउटर अपने राउटिंग टेबल में एंट्री कब डालता है। राउटर देखेगा इंटरफेस पे आईपी दे रखी है, नेटवर्क आईडी निकाल लेगा, कहेगा राउटिंग टेबल में तभी डालूंगा। नेबरशिप नहीं बनेगी यार, एक सिंगल राउटर है, ठीक है? तो राउटर क्या देख रहा है कि जब तक इस इंटरफेस का स्टेटस और प्रोटोकॉल दोनों चीजें जब तक अपनी हो जाएंगी, तब तक ये राउटिंग टेबल में एंट्री नहीं जाएगी, ठीक है? अब दिखाता हूं मैं आपको,
आगे एंट्री एंट्री राउटिंग टेबल में और स्टेटस और प्रोटोकॉल दोनों चीजें क्या आ गई। कोई प्रॉब्लम भाई, किसी को कोई इशू इसमें? अब एक बात दूसरी कर लेते हैं। हमने देखा शिवाजी पी राव, हाँ जी हाँ जी ठीक है जी, शिवाजी पी राउट क्या दिखा रहा है मुझे कि ये वाला नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है कौन से इंटरफेस से? इसका मतलब राउटर अपने इंटरफेस पे दी हुई आईपी प्लस सबनेट मास्क से नेटवर्क आईडी निकालता है और जिस इंटरफेस पे वो कनेक्टेड होती है ये दोनों इंफॉर्मेशन कंबाइन करके कहां डाल देता है? राउटिंग टेबल में। और राउटिंग टेबल में डालने के लिए कंडीशन क्या, स्टेटस और प्रोटोकॉल इंटरफेस का क्या होना चाहिए? अब इतनी बात क्लियर, कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं। अब यार देखो, जैसे जैसे मैं राउटर के इंटरफेस पे सबनेट मास्क चेंज करता जाऊंगा मेरी स्लैश वैल्यू क्या होती जाएगी? अब स्लैश क्या हो गया 24, पहले क्या था 8, देखना चाहते हो पहले वाला क्या था? पहले 8 ठीक है जी। तो अब राउटर के इंटरफेस पे नेटवर्क डिफाइन करने की भी जिम्मेदारी किसकी है? मेरी। आगे चले, अब देखते हैं, अगर मैं इस राउटिंग के प्रोसेस को राउटर पे बंद करना चाहता हूं तो कमांड चलाता हूं नो आईपी राउटिंग। अब आप पूछोगे सर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, शो आईपी राउट चलाओ, डिफरेंस दिख जाएगा। ये राउटर को क्या चाहिए ट्रैफिक फॉरवर्ड करने के लिए? डिफॉल्ट गेटवे। मतलब राउटर भी किसकी तरह काम करेगा? अब एक एंड होस्ट की तरह। किसकी तरह? एंड होस्ट। कि अगर उसको गेटवे पता होगा तो वो अपने नेटवर्क से बाहर कम्युनिकेट कर पाएगा, अगर उसको गेटवे नहीं बताओगे तो वो अपने नेटवर्क से बाहर कभी भी कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। डिस्टिंग इज क्लियर। कमांड चला दी मैंने दोबारा, क्या आईपी राउट शो आईपी। हाँ जी, एक और चीज देख सकते हो आप, शो आईपी राउट 10.0.0.0। क्या दिखा रहा है? नोन वाया कनेक्टेड। डिस्टेंस क्या मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टेंस? दिस इज एडी। एडी स्टैंड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। एडी स्टैंड फॉर, आपको पता होना चाहिए एडी क्या होती है, वरना जब हम डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल शुरू करेंगे तब बात करेंगे एडी क्या होती है। सर आपको कितनी देर लग जाएगी? ठीक है, शुक्रिया जी। हाँ भाई, ब्रेक के बाद तक लग जाएगा, बोल देंगे। मीट्रिक क्या होती है? व्हाट इज मीट्रिक? देखो यार, बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा मीट्रिक के बारे में, कोई बड़ा सा लेक्चर नहीं देने वाला, एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, याद रखना। मीट्रिक इज अ वैल्यू दैट इज यूज टू डिफाइन बेस्ट पाथ इन अ राउटिंग प्रोटोकॉल, इन अ राउटिंग प्रोटोकॉल, और यू कैन से इट इज अ वे टू सेलेक्ट बेस्ट पाथ इन अ राउटिंग स्ट्रेटेजी। मैं जो राउटिंग कॉन्फिगर कर रहा हूँ ना, उसमें बेस्ट पाथ कॉन्फिगर करने के लिए मैं किसका यूज कर सकता हूँ? मीट्रिक। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, मैं पाथ बेस्ट सेलेक्ट कब करता हूँ? जब मेरे पास कितने पाथ होते हैं? दो। तो मैंने क्या किया, जितने भी मेरे पास डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल थे उसमें एक वे बना दिया कि भाई जब भी दो पाथ हो ना तो बेस्ट सेलेक्ट करने का क्या हो, एक वे हो, उसी वे को क्या बोलते हैं? मीट्रिक। स्टैटिक राउटिंग में पाथ हमेशा आप लोग खुद डिफाइन करते हो, तो उसमें कभी भी मीट्रिक की कोई जरूरत नहीं होती, इसलिए स्टैटिक राउटिंग के मीट्रिक हमेशा क्या होती है? जीरो। जीरो देखो, मीट्रिक जीरो। सॉरी, मैं स्टैटिक राउटिंग की बोल गया, ओ फॉर कनेक्टेड राउट आई वांट टू से, लेकिन स्टैटिक राउटिंग की मीट्रिक कितनी होती है? वन होती है। और कनेक्टेड के लिए भी आप कभी भी कोई बेस्ट पाथ डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि वो नेटवर्क मुझसे क्या है? कनेक्टेड। ठीक है जी।
तो हमेशा याद रखना डायनेमिक राउटिंग, स्टैटिक राउटिंग और कनेक्टेड। कनेक्टेड की मीट्रिक कितनी होगी? जीरो। स्टैटिक की मीट्रिक भी कितनी होगी? जीरो। और डायनेमिक की मीट्रिक किस पे डिपेंड करेगी? डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल पे। जैसे कि रिप के लिए होती है हॉप काउंट, EIGRP के लिए होती है बैंडविड्थ और डिले, और OSPF के लिए होती है आपकी कॉस्ट, और BGP में मेरे पास 12 एट्रीब्यूट्स हैं जिनको मैं यूज करता हूँ पाथ मैनिपुलेशन के लिए। बात करेंगे जब BGP पे आएंगे, ठीक है जी। तो नाउ यू ऑल नो हाउ अ राउटर विल बिल्ड इट्स राउटिंग टेबल। आप सबको पता है राउटिंग टेबल में कब एंट्री आएगी और कब एंट्री नहीं आएगी। तो अगर यार अब मैं टर्म राउटिंग पे जाता हूँ कि राउटिंग क्या होती है, राउटर एक ऐसा डिवाइस है जो क्या परफॉर्म करता है? राउटिंग। अब यार राउटिंग के प्रोसेस को डिस्कस करने से पहले आपको फ्लो के बारे में पता होना चाहिए। मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं फ्लो को एक्सप्लेन नहीं करने वाला, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ फ्लो क्या होता है। फ्लो इज लाइक जब ये यूजर ए 10.1 जिसका मैक एड्रेस है ए, इसका IP 10.10 मैक एड्रेस बी, 20.20 मैक एड्रेस सी, 20.1 मैक एड्रेस डी। जब 10.1 को 20.1 से बात करनी है तो बात कैसे करेगा? 10.1 को 20.1 से बात करनी है, 10.1 देखेगा हाँ भाई मुझे 20.1 से बात करनी है, इसका मतलब मुझे एक ऐसी IP से बात करनी है जो मेरे नेटवर्क में एग्जिस्ट नहीं करते, इसका मतलब मुझे ट्रैफिक किसके पास भेजना है? गेटवे के पास। किसके पास? तो 10.1 ट्रैफिक किसके पास भेजेगा? सोर्स मैक क्या होगा ए और डेस्टिनेशन मैक क्या होगा बी। कोई प्रॉब्लम इसमें? ये ट्रैफिक किसके पास जाएगा? राउटर के पास। राउटर क्या चेक करेगा अपनी? राउटिंग टेबल। अब एक्चुअली यहाँ पे राउटर क्या परफॉर्म कर रहा है? राउटिंग। क्या परफॉर्म कर रहा है? राउटिंग। तो बात करें राउटर राउटिंग में क्या क्या करेगा। सबसे पहले राउटर क्या करेगा, जिस इंटरफेस पे ट्रैफिक रिसीव करेगा उसको क्या नाम दे देगा? इनग्रेस इंटरफेस। और जिससे ट्रैफिक बाहर भेजेगा उसको क्या बोल देगा? ईग्रेस, ठीक है जी। इस इंटरफेस पे ट्रैफिक रिसीव होगा, इस इंटरफेस पे ट्रैफिक रिसीव होने के बाद यह इंटरफेस क्या करेगा? यह इंटरफेस सबसे पहले लेयर टू एड्रेस को क्या करेगा? चेक करेगा। कर लिया? लेयर टू एड्रेस को चेक करने के बाद लेयर थ्री डेस्टिनेशन IP के लिए क्या करेगा? क्या करेगा? लुकअप करेगा। लेयर थ्री डेस्टिनेशन IP के बाद लुकअप करने के बाद देखेगा यार इस IP के लिए मेरे पास क्या कोई नेटवर्क है, इस डेस्टिनेशन IP के लिए क्या मेरी राउटिंग टेबल में कोई डेस्टिनेशन नेटवर्क है? तो नेटवर्क कौन सा होगा और यहां कौन सा होगा? हाँ भाई मेरे को एक नेटवर्क के बारे में पता है। कौन सा नेटवर्क है वो? 20 का। दिस थिंग इज क्लियर। दो काम हो गए, तीसरा काम क्या करेगा? एक IP हेडर फील्ड होती है। कौन सी फील्ड होती है? IP हेडर, ठीक है जी। उस IP हेडर में क्या करेगा, एक फील्ड होगी आपकी पास, उस फील्ड को क्या बोलते हैं गाइस? TTL। क्या बोलते हैं? TTL। TTL स्टैंड फॉर टाइम टू लिव। उस TTL की वैल्यू क्या कर देगा? -1। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसने TTL की वैल्यू -1 कर दी है, ठीक है। मेरा ट्रैफिक रिसीव हो रहा है, ये लगा लो ऐसे थी इंफॉर्मेशन, ये डेटा था, डेटा के ऊपर सबसे पहले कौन सा हेडर था, फिर कौन सा था, फिर लेयर 4 और ये सो ऑन। मैंने अभी कौन सा हेडर रीड किया? लेयर 3, ठीक है जी। मेरे को लेयर 3 हेडर रीड करने के बाद डेस्टिनेशन IP के बारे में पता चल गया। किसके बारे में? डेस्टिनेशन IP। एग्री। और मैंने TTL को क्या कर दिया? -1। अब राउटर क्या करेगा? राउटिंग टेबल चेक करके किसको फाइंड आउट करेगा? किसको? एग्जिट इंटरफेस को। एग्जिट इंटरफेस को फाइंड आउट किया और अपने ट्रैफिक को क्या कर दिया? स्विच कर दिया। किस पे? किस पे? एग्जिट इंटरफेस पे। अब एग्जिट इंटरफेस पे ट्रैफिक आ चुका है, लेकिन अभी ट्रैफिक के पास लेयर 2 इंफॉर्मेशन नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने उतार ली थी ना पहले। आई टेक इट आउट व्हेन इट वाज रिसीव्ड ऑन इंटरफेस नंबर 1।
जब वो इंटरफेस नंबर 1 पे रिसीव हुआ था तो मैंने लेयर 2 इंफॉर्मेशन क्या कर ली थी, जब यहाँ रिसीव हुआ था मैंने लेयर 2 इंफॉर्मेशन क्या कर दी थी, रिमूव, तभी तो मैंने कौन सी इंफॉर्मेशन चेक की थी, लेयर 3। ठीक है जी, अब ट्रैफिक एग्जिट इंटरफेस पे आ चुका है लेकिन उसके साथ कोई लेयर 2 इंफॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं है। अब बात आती है राउटर ट्रैफिक के साथ क्या करेगा, राउटर सबसे पहले तो क्या करेगा, लेयर 3 हेडर को रीराइट करेगा। क्या रीराइट करेगा, लेयर 3 हेडर। क्यों रीराइट कर रहा है वो, आप कहोगे सर देखो राउटर के एक इंटरफेस पे ट्रैफिक रिसीव हुआ उसमें टीटीएल कम होना तो हो गया, व्हाई वी आर रीबिल्डिंग लेयर 3 हेडर। भाई एक बात बताओ, जो लेयर 3 हेडर में एक फील्ड होती है चेकसम, कौन सी फील्ड होती है चेकसम, अब राउटर ने जब ट्रैफिक इंटरफेस पे रिसीव किया था तो उसमें चेकसम वैल्यू थी, एग्री, वो चेकसम वैल्यू किस टीटीएल के अकॉर्डिंग कैलकुलेटेड थी, जो कंप्यूटर ने सेंड किया था, एग्री। लेट से कंप्यूटर ने सेंड किया था 10, तो जैसे इंटरफेस पे ट्रैफिक आया टीटीएल उसमें क्या था 10, जो वो चेकसम कैलकुलेटेड था लेयर 3 हेडर में वो किस टीटीएल के अकॉर्डिंग कैलकुलेटेड था 10 के अकॉर्डिंग। अब तुमने टीटीएल क्या कर दिया उसका 9, और किस इंटरफेस पे स्विच कर दिया उसको, नए इंटरफेस पे। तो राउटर क्या करेगा, नए टीटीएल के अकॉर्डिंग क्या कैलकुलेट करेगा, चेकसम, नए टीटीएल के अकॉर्डिंग क्या कैलकुलेट करेगा, चेकसम, तभी तो सामने वाले पे जाके क्या होगा मैच, वरना सामने वाले इंटरफेस पे जब ट्रैफिक रिसीव होगा ना चेकसम का एरर आ जाएगा। क्यों आएगा चेकसम का एरर, क्योंकि पुराना चेकसम किस टीटीएल के अकॉर्डिंग निकला हुआ है 10 के अकॉर्डिंग, राउटर क्या करेगा किस टीटीएल के अकॉर्डिंग निकालेगा 9 के अकॉर्डिंग, 9 के अकॉर्डिंग निकाला, उसके बाद क्या किया, क्या किया, नहीं यार ये फिजिकल कनेक्टिविटी नहीं है, मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ अगर राउटर ऐसा नहीं करेगा तो क्या होगा, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है करना, इट इज नॉट पॉसिबल दैट यू कैन डू दिस थिंग, ये एक बाय डिफॉल्ट प्रोसेस है जो चल रहा है। मैं अगर आप, मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूँ ये प्रोसेस ऐसा क्यों बनाया गया, भाई क्या जरूरत है यहाँ पे लेयर 3 हेडर के चेकसम को रिकैलकुलेट करने की, क्योंकि प्रॉब्लम क्या आएगी जब R2 उसको रिसीव करेगा तो वो चेकसम देखेगा, उसने चेकसम देखा वो हेडर पे दोबारा सेम एल्गोरिथम चलाएगा, और हेडर में पहले टीटीएल वैल्यू क्या थी 10, तो उसके अकॉर्डिंग निकला हुआ था वो चेकसम, तो अब राउटर क्या करेगा उस चेकसम को चेंज करेगा, उसको करना पड़ेगा। ठीक है जी, अब लेयर 2 इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, रीबिल्ड। रीबिल्ड क्यों करेगा, क्योंकि जब भी राउटर से ट्रैफिक जाएगा सोर्स मैक क्या होगा सी और डेस्टिनेशन मैक क्या होगा डी। इस फ्लो के बारे में सबको बताना, वरना यार पहले फ्लो बताना पड़ेगा फिर आपको ये मैं समझा। ठीक है जी, तो मैं ऐसा सोच के चल रहा था आपको फ्लो के बारे में पहले से ही पता है। तो इस बंदे ने अब क्या किया, लेयर 2 इंफॉर्मेशन को रीबिल्ड किया, अब ये ट्रैफिक एग्जिट इंटरफेस से क्या जाएगा, एग्जिट बाहर भेज दिया, और जिसके बाद चला गया यूजर के जिसके पास भी जाना। तो ये सारे प्रोसेस को क्या बोलते हैं गाइस, राउटिंग। दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड राउटिंग, कि लेयर 2 पे मैंने इंफॉर्मेशन को रिसीव किया, मैंने आईपी के लिए लुकअप किया, फिर मैंने आईपी हेडर में एक फील्ड थी टीटीएल, उसकी एक वैल्यू क्या कर दी, डिक्रीमेंट कर दी, टीटीएल होता गया, टीटीएल मुझे बताता है कि नेटवर्क में मेरा ट्रैफिक कितनी नंबर ऑफ हॉप से ट्रैवल करेगा। तो इस होल प्रोसेस को ही मैं क्या बोलता हूं, राउटिंग। तो मैंने आपको सारा काम बता दिया, राउटर पे ट्रैफिक आता है और राउटर से ट्रैफिक बाहर जाता है तो क्या क्या होता है। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। चेंज करेगा कौन बीच में, या उसकी वैल्यू डिस्कार्ड हो जाए L2 के साथ, हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं, वो सिर्फ तभी होगा अगर आपका डेटा खराब हो गया, क्यू में लगा हुआ था डेटा ड्रॉप कर दिया, उसने प्रायोरिटी नहीं दी राउटर ने उस डेटा को। बहुत बार होता नहीं है जब आप क्वालिटी ऑफ सर्विस इंप्लीमेंट करते हो रियल टाइम में, आपका जो क्यू वाला डेटा होता है अगर वो बहुत ज्यादा देर तक क्यू में लगा रहता है तो राउटर उस डेटा को क्या कर देता है डिस्कार्ड। तो ये चीज हो सकती है, ऐसे नहीं होगा कि लेयर 2 हेडर रिमूव कर रहा था उसने वो फील्ड भी रिमूव कर दी, नहीं, इट्स नॉट लाइक दिस, इट्स नॉट अ कैजुअल प्रोसेस। सर हम जब पिंग देते हैं, हां जी, कमांड चलाते हैं पैकेट को ज्यादा ब्रेक करता है उससे किसे आइडेंटिफाई करें कितना ब्रेक हो रहा है, पैकेट कभी आता है 10 nm करके आता है 5 nm 6 nm टीडीएल जब ये 128.6255 एमएस होता है यार वो, हां एमएस
ये बोल रहा है यार, यार एक्चुअली आरटीआर होता है ये रहा टाइम, ये बता रहा है कि आपका ट्रैफिक गया और आया और आने और जाने में कितना टाइम लगा, इसको आरटीटी बोलते हैं, राउंड ट्रिप टाइम। ठीक है जी, आप क्या पूछना चाहते हो? अगर ड्रॉप हो रहा है ठीक है, पता नहीं सर ये क्या किस वजह से ड्रॉप हो रहा था, किस टाइम आईडेंटिफाई कर लेटेंसी भी। सर देखो आप, मैं आपको एक बात नॉर्मली बता देता हूँ, ऐसा नहीं होता। अगर आपने मेरे से पूछ लिया सर एक पैकेट ड्रॉप हो रहा है क्यों हो रहा है, देयर कैन बी मिलियन ऑफ रीजंस फॉर द सेम थिंग, एक पैकेट क्यों ड्रॉप हो रहा है भाई। नहीं एक्चुअली है क्या, मोमेंट में मैं सेटअप बताता हूं, हमारे यहां 20 या 30 मिलियन सिप चल रही है, ठीक है, उनका एनएसटी कॉन्फिगर होता है, कुछ पीसी में पैकेट ड्रॉप नहीं हो रहा, इनमें जो है कुछ पीसी में पैकेट उसी लैन से कनेक्ट है, जब इससे कनेक्ट है जब पिंग देता हूं तो पैकेट ड्रॉप आता है, लेकिन VLAN 6 का वो मेंबर है, एक पीसी में सेम आ रही है, वो जो IMS करके है वो भी सेम आई है और TTL भी 128/128 आ रही है, एक में क्या हो रहा है ड्रॉप हो रहा है, उनसे हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे किस वजह से ये ड्रॉप हो रहा है, क्या रीजन हो सकती है, जबकि कनेक्टिविटी स्विच भी वही है, VLAN भी वही सेम VLAN में है वो, आपके पास प्रॉब्लम आती है, आपके पास कुछ रॉ मटेरियल होता है वो लेके आना यार। आगे क्या करूँ यार, प्रिंट स्क्रीन कहाँ लिखूँ, प्रिंट स्क्रीन हाँ लेके आना, मेरे को लगा कह रहा प्रिंट स्क्रीन करो आपको ही पता चल जाएगा। यार नहीं, मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूँ कि आपके पास कुछ रॉ मटेरियल है जिससे आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, आपने तो मेरे को बॉल फेंक दी सर, ड्रॉप आ रहे थे। भाई ऐसा भी हो सकता है जरा MST कन्वर्ट हो रहा हो, इट कैन ऑल्सो बी अ रीजन, जब मेरी STP कन्वर्ट कर रही है, एक VLAN सही की चल रही है, एक VLAN अभी कन्वर्ट हुई नहीं है, इट कैन ऑल्सो बी अ केस, बहुत सारे केसेस हो सकते हैं रियल टाइम में जब तेरा ट्रैफिक ड्रॉप हो रहा है, और मैंने तो ऐसा भी देखा है एक अच्छे खासे नेटवर्क में भी ट्रैफिक ड्रॉप हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ डिवाइस माल फंक्शन कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पिंग और ट्रेस रूट बहुत दूर है यार अभी। ठीक है जी, तो अभी हमने बात करी कि राउटर अपने राउटिंग टेबल कैसे बनाता है और राउटिंग क्या होता है। ठीक है जी, इतनी बात कर ली हमने, अब किस पे चलते हैं यार, IP हेडर पे। सबसे एक फील्ड, पहले एक फील्ड होती है वर्जन, जो बताती है आप कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो, इट कैन बी IPv4, इट कैन बी IPv6। दूसरी फील्ड होती है शायद IHL, IHL स्टैंड फॉर इंटरनेट हेडर। आगे फील्ड होती है DSCP, डिफरेंशिएटेड सर्विसेज कोड पॉइंट, या आप इसको बोलते हो टॉस फील्ड, टाइप ऑफ सर्विस, फाइन। उसके बाद एक फील्ड आती है TL, TL का मतलब होता है गाइस टोटल लेंथ, ये सिर्फ हेडर की लेंथ बताता है, ये बताता है हेडर प्लस डेटा लेंथ कितनी है। एक और फील्ड आती है इसका नाम होता है आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद मेरे पास तीन फ्लैग होते हैं, पहला होता है रिजर्व, दूसरा होता है डोंट फ्रेगमेंट, तीसरा होता है मोस्ट फ्रेगमेंट। उसके बाद यहाँ एक ऑफसेट सी फील्ड आती है जैसा मुझे याद आ रहा है। ठीक है जी, यहाँ एक फील्ड आती है लेट्स से TTL, यहाँ एक फील्ड होती है मेरे पास प्रोटोकॉल नंबर, और यहाँ एक फील्ड आती है जिसको बोलते हैं हम चेकसम, यहाँ फिर होती है सोर्स IP, और उसके नीचे क्या होती है, एक मिनट जी थोड़ा हम ऊपर कर लेते हैं इसको, डेस्टिनेशन IP। ठीक है जी, तो वर्जन के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये बताता है V4 यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। IHL के बारे में बताता है, IHL बताता है भाई इंटरनेट हेडर की लेंथ कितनी है, ये टोटल हेडर है इसकी लेंथ कितनी है, इसकी मिनिमम लेंथ होती है गाइस 20 बाइट। याद रखने का तरीका बता देता हूँ कैसे याद रखते हैं, ये इसकी एक लाइन दिख रही है आपको, ये 32 बिट की है, कितने लाइन है टोटल, 32 × 5 160 bits, कितना हो गया गाइस 20। ठीक है, ये मिनिमम लेंथ होगी IP हेडर की। अब आप कहोगे सर इससे ज़्यादा लेंथ कब होगी, तो अगर आप ये जानना चाहते हो तो आप अगले हफ्ते एक्सटेंडेड पिंग के बारे में या फिर IP ऑप्शन फील्ड के बारे में पढ़ के आना, आपकी बुक में दे रखी है।
आप देख सकते हैं। मैंने आपको बोल दिया, अगर आप जानना चाहते हो तो फिर भी आप ये काम कर सकते हो, कोई मेरे ऊपर नहीं करना चाहिए बाकी चीज़। ठीक है जी, उसके बाद बात कर लेते हैं डीएससीपी क्या होता है। जब भी आप क्वालिटी ऑफ सर्विस इंप्लीमेंट करोगे तब इन बिट्स का यूज करोगे, ये भी आपका काम नहीं है, लीव इट फॉर नाउ। टोटल लेंथ क्या होती है, ये बताता है कि हेडर प्लस डेटा का क्या साइज है, फाइन, टोटल लेंथ। और ये रिप्रेजेंट किसमें करता है, ठीक है भाई, देख लो आ गया वापस। तो टोटल लेंथ मैंने बताया आपको, हेडर प्लस डेटा टोटल साइज बताती है क्या है, आइडेंटिफिकेशन फील्ड क्या होती है। अब यार आइडेंटिफिकेशन समझने के लिए यहाँ आ जाओ एक बार, ये कंप्यूटर है, ये एक स्विच है और ये एक राउटर है। ठीक है जी, मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूँ आइडेंटिफिकेशन फील्ड क्या होती है। ये लगा लो एक गिग लिंक है और ये कौन सा लिंक है, चेयर बहुत कंफर्टेबल है। थैंक यू यार। भाई देखो इधर, ठीक है जी, अब ध्यान से समझना इस चीज को। ये बंदा जब डेटा बना के भेजता है ना, तो आपने एक चीज पढ़ी थी, फ्रेगमेंट बनता है, फ्रेगमेंट्स बनते हैं, पढ़ी थी ना। भाई फ्रेगमेंटेशन होता है लेयर 4 पे, ये ऐसा पढ़ा होगा तुमने OSI मॉडल। तो मेरी बात सुनना ध्यान से, ये बंदा जब भी डेटा बनाएगा ना, तो मैक्सिमम डेटा साइज कितना रख सकता है, 1460 बाइट। ये रूल है कि 1460 बाइट से बड़ा इसका सेगमेंट होगा ही नहीं होगा। ठीक है जी, प्लस ये 20 बाइट उसमें क्या ऐड कर देता है, कौन से हेडर के, आईपी के, प्लस 20 बाइट किसके ऐड हो जाते हैं, टीसीपी के। ठीक है जी, ये ट्रैफिक बन गया, ट्रैफिक निकल गया भाई कंप्यूटर से, कितने बाइट का हो गया, टोटल 1500 बाइट का। तभी आपको भी ध्यान देना राउटर के इंटरफेस पे एमटीयू बाय डिफॉल्ट कितना होता है, 1500 बाइट। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है, सर आपने इसके साथ लेयर 2 हेडर तो लगाया ही नहीं। तुम कहोगे सर माइंड में ही नहीं आया। भाई क्यों नहीं आया माइंड में, आपने इसके साथ लेयर 2 हेडर नहीं लगाया। तो एक बात तो पहले हमेशा याद रखना, जब ये कंप्यूटर इस ट्रैफिक इस लिंक पे सेंड करेगा ना, तब लेयर 2 हेडर इसके साथ ऐड होगा और वो कभी भी इस साइज में इंक्लूडेड नहीं होगा, कभी भी साइज में इंक्लूडेड नहीं होगा। इसका मतलब जो एक्चुअल ट्रैफिक इस लिंक पे फ्लो कर रहा है वो कितना होता है, 1514 बाइट से लेके 1522 बाइट तक, कितना होता है, 1514 से लेके 1522 बाइट तक, क्योंकि लेयर 2 हेडर भी ऐड होगा, स्विच के पास आया, स्विच ने किसके पास भेजा, राउटर के पास। मैंने बताया था राउटर जैसे ही ट्रैफिक को रिसीव करता है सबसे पहले लेयर 2 हेडर को क्या कर देता है, रिमूव। अब रिमूव करने के बाद एक्चुअल वो देख रहा है पैकेट कितना बड़ा है, जो पैकेट पैकेट कर रहे थे ना, तब करते हो कि पैकेट आप, वो देखता है एक्चुअल पैकेट कितना बड़ा है, पैकेट का साइज क्या, 1500 बाइट। राउटर के इंटरफेस पे 1500 बाइट का डिफाइन है एमटीयू। एमटीयू का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। भाई ये मेरा लेवल है, ये मेरी मैक्सिमम लिमिट है, इतना ही डेटा मैं स्विच कर सकता हूं एक टाइम पे, इतना ही डेटा मैं क्या कर सकता हूं, स्विच। मैंने बताया था राउटर दूसरा काम क्या करता है, अब प्रोसेस मत भूलना वरना प्रॉब्लम आएगी। राउटर क्या करता है, 1500 बाइट स्विच कर सकता हूं एक टाइम पे, इससे ज्यादा मैं ट्रैफिक स्विच नहीं कर सकता, इसलिए मैंने वो क्या बना दिया, एमटी। अब आइडेंटिफिकेशन नंबर था, इन सब चीजों का क्या लेना देना। लेट से भाई इस यूजर के पास एक गिग पोर्ट था, कौन सा पोर्ट था, एक फ्रेम होते हैं जम्बो फ्रेम, 9000 बाइट साइज होता है उनका, सुने होंगे आपने, वरना पढ़ लेना गूगल पे। ये बंदा क्या कर रहा है, इसको नहीं लेना देना नेटवर्क से कुछ भी, कह रहा मेरे पास हाई एंड मशीन है, मैं तो बड़ा ट्रैफिक भेजूंगा। इसने अपने इंटरफेस पे एमटी कितना कर दिया, 9000 बाइट, कितना कर दिया, इसे 9000 बाइट का डेटा यहां से भेजा राउटर के इस इंटरफेस पे। राउटर का ये इंटरफेस क्या करेगा, उस ट्रैफिक को डिवाइड करेगा, क्या करेगा, डिवाइड कितने कितने फ्रेगमेंट्स में, 1500 बाइट्स के 6 फ्रेगमेंट में डिवाइड करेगा। अब जब ये डेटा इस राउटर से आगे जाएगा, पहले तो एक ही आएगा, अब कितने पार्ट्स कर दिए मैंने उस डेटा के, 6। यार जब एंड यूजर पे पहुंचेगा उसको रीअसेंबल भी तो करना पड़ेगा मेरे को, कौन सी लेयर पे, लेयर 3 पे, कौन सी लेयर पे, क्योंकि मैंने डिवाइड कौन सी लेयर पे किया,
लेयर थ्री पे, मैंने आपको बताया ना, मैंने लेयर थ्री में देखा साइज क्या, टोटल लेंथ क्या, हेडर लेंथ क्या, ओ मेरा एमटीयू क्या 1500 बाइट, ट्रैफिक कितने बाइट का 9000 बाइट, क्या करूंगा अब मैं, मेरे को इस ट्रैफिक को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, मैंने उसको 6 फ्रेगमेंट में क्या कर दिया, डिवाइड, और हर फ्रेगमेंट को क्या दे दिया, एक आइडेंटिफिकेशन नंबर, क्या दे दिया एक, कि वो डेस्टिनेशन पे जाके डेटा क्या हो सके, री असेंबल। हाँ जी, ठीक है भाई, इट्स नॉट डिफिकल्ट, बहुत आसान था समझना, कि इस बंदे ने डेटा भेजा, अगर डेटा 1500 बाइट से क्या होगा बड़ा, तो ये राउटर क्या परफॉर्म करेगा, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है जी, दिस थिंग इज क्लियर, तो आइडेंटिफिकेशन क्या है जो, हाँ जी, नहीं यार नहीं, ट्राई टू अंडरस्टैंड अब क्या हुआ है, देख वही मैं उसी बात को अब क्लियर कर रहा था, भाई नाम क्या आपका, शुभम, मैं नाम तो मैं इसका पूछ रहा था, तेरा ही लिख लेते हैं, हाँ भाई, इस कंप्यूटर ने डेटा भेजा, इसके सिक्वेंस नंबर क्या था सारे डेटा के साथ, 1, ठीक है भाई, ये डेटा किसके पास पहुंचा, राउटर के पास, राउटर ने इसको क्या कर दिया, अब डिवाइड, डिवाइड कैसे किया, इसके क्या बना लिए, क्या बना लिए, सब में टीसीपी हेडर में अभी भी सिक्वेंस नंबर क्या है, अभी भी सिक्वेंस नंबर क्या, हर एक के टीसीपी हेडर में 1, लेकिन लेयर 3 हेडर पे आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या डाल दिया, 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3 के सामने वाले एंड पे जाके वो क्या हो जाए, रीअसेंबल, और कौन सी लेयर पे, लेयर 3 पे। ठीक है भाई, हेडर बनाया पूरा यार, मिटा दिया, तो यहां पे पहुंच गए थे यार, याद हो तो आपको, आइडेंटिफिकेशन हो गई थी अपनी, फ्लैग्स पे पहुंच गए थे, अभी मैंने आपको बताया 3 फ्लैग है, पहला रिजर्व, दूसरा डोंट फ्रेगमेंट, तीसरा मोस्ट फ्रेगमेंट, तो रिजर्व तो हमेशा 0 रहती है बिट, डोंट फ्रेगमेंट और मोस्ट फ्रेगमेंट क्या होता है, देखो यार ये R1 ने क्या परफॉर्म किया, क्या परफॉर्म किया, R2 को ये बताएगा कैसे कि मैंने फ्रेगमेंटेशन परफॉर्म किया, ये क्या करेगा, जब भी फ्रेगमेंटेशन परफॉर्म करेगा तो मोस्ट फ्रेगमेंट बिट को क्या कर देगा, ऑन कर देगा, देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड, R2 तक बात मत ले जाओ, एक ही राउटर पे बात रखते हैं, इस राउटर के इंटरफेस पे ट्रैफिक रिसीव हुआ, इसने उस ट्रैफिक को क्या किया, अब फ्रेगमेंट करके इस पर्टिकुलर इंटरफेस पे स्विच किया, ये इंटरफेस को बताएगा कैसे अब मैं फ्रेगमेंट भेज रहा हूँ, मोस्ट फ्रेगमेंट बिट को पहले फ्रेगमेंट में क्या कर देगा, ऑन कर देगा, जिससे इंटरफेस को पता चल जाएगा हाँ भाई मेरे पास सेम डेटा के क्या आ रहे हैं, फ्रेगमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है जी, अब डोंट फ्रेगमेंट बिट क्या होती है, डोंट फ्रेगमेंट बिट, सोचो यार डोंट फ्रेगमेंट बिट क्या होती है, नहीं बाबा ऐसा नहीं बोल सकता, मैं क्या कहना चाहता हूँ, डोंट फ्रेगमेंट बिट का मतलब क्या होता है, कि मैंने डेटा भेजा, अगर मैंने उसमें डोंट फ्रेगमेंट बिट ऑन करके भेज दी ना, तो डेटा फ्रेगमेंट होएगा ही नहीं, अगर उसका MTU कहीं पे ज़्यादा हुआ, सॉरी अगर उसको MTU कहीं पे कम मिला, अपने अकॉर्डिंगली क्या मिला, कम, जैसे 9000 बाइट का डेटा ट्रेवल कर रहा था, उसको MTU कितना मिल गया था, 1500,
मतलब वो इस रोड से अब जा नहीं सकता, तो राउटर ने उसको क्या कर दिया था, फ्रेगमेंट। अब मैं सेम चीज कह रहा हूँ, अगर मैं 9000 बाइट का डेटा भेज रहा हूँ और उसमें मैं डोंट फ्रेगमेंट बिट को क्या कर दूंगा, सेट, तो राउटर उस पर्टिकुलर डेटा को फ्रेगमेंट नहीं करेगा। यही तो मैं पूछ रहा हूँ, फिर डोंट फ्रेगमेंट बिट बनाई क्यों गई? आप बोल सही रहे हो पर आपको बोलने का तरीका नहीं आ रहा। आप चाहते हो कि आप एक एंड से दूसरे एंड तक डेटा भेजो लेकिन कभी भी फ्रेगमेंटेशन ना हो। क्या ना हो? फ्रेगमेंटेशन। तो मैं क्या कर सकता हूँ, पाथ का जो लीस्ट एमटीयू वैल्यू है वो कैलकुलेट कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, पाथ की लीस्ट एमटीयू वैल्यू क्या कर सकता हूँ, कैलकुलेट। पहली एक बात बता देता हूँ, ये हिट एंड ट्रायल मेथड होता है यार, इट इज जस्ट लाइक अ हिट एंड ट्रायल। तुक्का मार रहा हूँ मैं, इसमें कोई टेक्निकल काम नहीं कर रहा। मैं क्या कर रहा हूँ, लेट्स से एक दो तीन राउटर है बीच में, आप भी यूजर हो मैं भी यूजर, फाइन भाई। इस पे ना ये प्रोवाइडर का राउटर है, पुराना राउटर लगा हुआ है इस पे एमटीयू। अब पूरा मान के ऐसे ले लो इस बात को, ये प्रोवाइडर का राउटर है, पुराना राउटर लगा हुआ है, ये इस पे एमटीयू जो मैक्सिमम सपोर्टेड है वो 1200 बाइट है, ठीक है। तो जब भी मैं डेटा भेजता हूँ, एक तो बुरा क्या हुआ, मेरा बेस्ट पाथ भी इसी से बना हुआ है। बेस्ट पाथ बन तो इनसे भी सकता है पर बना किससे हुआ, इसी से बना हुआ। जब भी मैं ट्रैफिक भेजता हूँ, हमेशा भेजता हूँ नॉर्मल 1500 बाइट का ट्रैफिक। कितने बाइट का? आप नॉर्मली फॉरवर्ड कर देते हो लेकिन आप पे एमटीयू कितने? 1200। आप उस ट्रैफिक को क्या कर देते हो, फ्रेगमेंट। मैं नहीं जाता भाई, मेरा ट्रैफिक रास्ते में क्या हो, फ्रेगमेंट। मैं इस टाइम पे आपको समझा नहीं सकता अभी के फ्रेगमेंटेशन कितनी प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। आपकी सीसीएनपी की बुक में टॉपिक दिया हुआ है एसिमेट्रिक राउटिंग, पढ़ना उसको, बात करेंगे कल परसों दोबारा, जब भी हम स्टैटिक या डायनेमिक राउटिंग के बारे में बात करेंगे तब बात कर लेंगे इसके बारे में एक बार और। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इससे डेटा होके जा रहा है, ये क्या परफॉर्म कर रहा है, फ्रेगमेंटेशन। और मैं नहीं चाहता कि मेरे नेटवर्क में क्या परफॉर्म हो, फ्रेगमेंटेशन। तो मैं क्या करूंगा, अपने एंड से एमटीयू सेट करके भेजूंगा इस बार 1400, लेकिन उस एमटीयू के साथ कौन सी बिट सेट कर दूंगा, डोंट फ्रेगमेंट। कौन सी बिट सेट कर दूंगा, डोंट। और जैसे डेटा इस पे आएगा, डेटा क्या कर देगा, तो इसका मतलब किसी डिवाइस का जो एमटीयू साइज है वो क्या है, लेस देन 1400। अब मैं दोबारा क्या करूंगा, 1300 एमटीयू साइज लगा के डेटा भेजूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, फिर भी ड्रॉप होगा, फिर मैं 1350, फिर किस पे आऊंगा मैं धीरे धीरे 1300 पे आऊंगा, 1200 पे आऊंगा, 1200 पे आऊंगा, मैं देखूंगा मेरा डेटा नॉर्मली फॉरवर्ड होगा, तो मुझे पता चल जाएगा लीस्ट एमटीयू साइज क्या है, 1200। ये पर्टिकुलर चीज आईपी वर्ड में, आईपी वर्ड का मतलब ये जो हम IPv4 पढ़ते हैं इसमें हमें खुद करनी पड़ती है। MPLS के केस में MTU डिस्कवरी MPLS खुद करता है। ये जो फीचर होता है MPLS में आप यूज कर सकते हो, उसको बोलते हैं पाथ MTU डिस्कवरी। क्या बोलते हैं, पाथ MTU। तो ये IP के केस में आप ये डोंट फ्रेगमेंट बिट यूज कर सकते हो, या DBT भी बोलते हैं इसे। किस पर्पस के लिए, पाथ MTU को क्या करने के लिए, डिस्कवर कर, ठीक है जी। हाँ जी, मैं इसको ये अपना एक मिनट जी, सेट DF बिट एंड IP। कंप्यूटर में मुझे टिपिकली कमांड नहीं पता क्या होती है डोंट फ्रेगमेंट बिट सेट करने की, लेकिन राउटर पे पता है। राउटर पे DF बिट सेट करके ट्रैफिक भेज सकते हो, कोई इशू नहीं। पर मैंने तो आपको बेसिकली मतलब बताया आइडेंटिफिकेशन नंबर और DF बिट का, ये तो एक वे है फाइंड आउट करने। जो
यार नहीं छेड़ते, लेकिन अगर मैं सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क में जाऊँ वहाँ 1500 वाइट ट्रैफिक कैसे स्विच करता होगा डिवाइस? ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई MTU क्या होता है। बात करेंगे यार कभी टाइम मिलेगा तो, जिंदगी बहुत बड़ी है। ठीक है जी, यहाँ एक फील्ड आती है भाई TTL, टाइम टू लिव। TTL क्या होता है, बात करना चाहेंगे आप लोग TTL के बारे में? किसी को बताओ। हाँ जी, TTL सर, एवरी टाइम जब कोई एक नेटवर्क एक राउटर दूसरे होम पे जंप करता है तो वो एक माइनस कर देता है उसको। जब भी एक राउटर ट्रैफिक को अपने से स्विच करता है तो TTL क्या कर देता है? माइनस पर। एक नॉर्मली बात याद रखो, छोटी सी और आसान सी, जब भी ट्रैफिक लेयर 3 स्विच होगा क्या होगा? लेयर 3 स्विच, उसमें TTL हमेशा क्या होगा? डिक्रीमेंट लिखा भैया मैंने। ठीक है जी, TTL हमेशा क्या होगा? और या फिर एक और आसान तरीका इस चीज को याद रखने का, जब भी ट्रैफिक में लेयर 2 इंफॉर्मेशन, जब भी ट्रैफिक में लेयर 2 इंफॉर्मेशन क्या होगी? रीबिल्ड। तब भी राउटर TTL को क्या करेगा? माइनस। ठीक है जी, लेयर 2 इंफॉर्मेशन रीबिल्ड होगी। राउटिंग का ही प्रोसेस था, भी बताया था थोड़ी देर पहले। ठीक है जी, अगली बार से खाना कम खा के आना और बादाम खाया करो, याद नहीं रहता तो फिर। ठीक है भाई, आगे चलते हैं थोड़ा सा। What's the? User to define number of routers in the network. Minimize delay. To minimize delay? वो कुछ और चीजें हैं, आप TTL को गलत लेके जा रहे हो। ये रूल तो होता है, रूल बता देता हूँ। इफ अ डिवाइस इज रिसीविंग ट्रैफिक विद TTL 0, इट विल डिस्कार्ड इट। सॉरी, यस, इट विल डिस्कार्ड इट। पहली बात तो, कभी कोई डिवाइस TTL 0 के साथ ट्रैफिक रिसीव नहीं करेगा, क्योंकि जब TTL 1 किसी इंटरफेस पे रिसीव हो जाता है और जैसे उसमें TTL 0 हो जाता है, वो ट्रैफिक आगे फॉरवर्ड होता ही नहीं है। इसका मतलब राउटर एट द एंड कितना मिनिमम TTL रिसीव कर सकता है? 1 रिसीव होगा, 0 हुआ, वो ट्रैफिक आगे फॉरवर्ड अब नहीं होगा, वहीं से डिस्कार्ड हो जाएगा वो ट्रैफिक, बात खत्म, उसकी जिंदगी खत्म। तो TTL यूज किस लिए हो रहा है भाई? एक बात बताओ यार, दुनिया भर के लोग हैं इंटरनेट पे ट्रैफिक भेजते हैं। अब इंटरनेट परफेक्ट थोड़ा ना है, बहुत सारा ट्रैफिक होगा जो इंटरनेट पे क्या हो जाता होगा? डिस्कार्ड हो जाता होगा, या फिर अपना, लेट से आपने फेसबुक के लिए रिक्वेस्ट भेजी, आपका नहीं खुला, आपने दोबारा रिक्वेस्ट भेज दी, फिर नहीं खुला, फिर दोबारा भेज दी, आप देख थोड़ा ना रहे हो क्या हो रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है एक ट्रैफिक अपना रास्ता ही भटक गया हो, कहीं और ही चला गया हो, तो उस पर्टिकुलर ट्रैफिक को नेटवर्क में डिस्कार्ड करने के लिए एक फील्ड बनाई गई TTL, कि कभी भी किसी भी तरह की कोई लूप क्रिएट ना हो, कि ट्रैफिक में लूप ना बने। यार ऐसे तो डिवाइस सेम ही ट्रैफिक को स्विच करते जाएंगे बार 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 बार, तो क्या हो, ट्रैफिक का भी एक एंड हो। अगर ट्रैफिक लूप्ड भी हो जाता है सिनेरियो में, नेटवर्क खराब भी हो जाता है, तब भी ट्रैफिक क्या हो जाए? ड्रॉप हो जाए, ट्रैफिक बार बार डिवाइसेस को स्विच करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है जी, इसलिए बनाया हमने TTL। तो TTL जैसे ही 0 होता है, ट्रैफिक डिस्कार्ड हो जाता, मैक्सिमम 255 होता है। कभी भी 255 से ज़्यादा TTL आपको देखने को नहीं मिलेगा, ना ही IPv6 हेडर में, ना ही IPv4 हेडर में। ठीक है जी, उससे IPv6 हेडर में सेम फील्ड को क्या बोलते हैं? बात करेंगे जब V6 पे आएंगे। अगली फील्ड है क्या है? प्रोटोकॉल नंबर। प्रोटोकॉल नंबर क्या होता है? देखो यार,
अभी मैंने ट्रैफिक बनाया था आपके सामने, सबसे पहले कौन सी इन्फॉर्मेशन लगाई थी? उसके ऊपर क्या लगाया था मैंने? डेटा, ठीक है जी। ये राउटर था, इसके इस इंटरफेस पे ट्रैफिक आया, राउटर ने सबसे पहले लेयर टू इन्फॉर्मेशन रीड करी, इस हेडर को क्या कर दिया? रिमूव। राउटर ने लेयर थ्री इन्फॉर्मेशन चेक करी, क्या चेक करी? लेयर थ्री इन्फॉर्मेशन। लेयर थ्री इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद राउटर को पता चल रहा है कि ये ट्रैफिक के लिए डेस्टिनेशन कौन है? डेस्टिनेशन कौन है? राउटर इटसेल्फ। याद रखना, बाय डिफॉल्ट राउटर कभी भी प्रोटोकॉल फील्ड को चेक नहीं करेगा। राउटर को लेना देना ही नहीं है कि तुम्हारा तुम क्या ट्रैफिक भेज रहे हो और क्यों भेज रहे हो। ट्रैफिक आया, डेस्टिनेशन आईपी चेक हुई, रीराइट हुआ ट्रैफिक, जो भी लेयर थ्री इन्फॉर्मेशन रीराइट होनी थी, लेयर टू इन्फॉर्मेशन रीराइट होनी थी, रीराइट हुई और ट्रैफिक एग्जिट इंटरफेस से क्या हो गया? बाहर स्विच हो गया। मैंने यहाँ पे कंडीशन रेज किया है कि जो ट्रैफिक राउटर ने रिसीव किया वो राउटर के लिए ही आया है। वो किसके लिए आया? राउटर के लिए। राउटर के लिए ट्रैफिक, राउटर ने कहा भाई ट्रैफिक मेरे लिए आया। अब राउटर देखना चाहता है लेयर थ्री से ऊपर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन कौन सी है, किस प्रोटोकॉल की इंफॉर्मेशन है भाई? ये लेयर थ्री हेडर तो रीड कर लिया मैंने, ये ट्रैफिक मेरे लिए ही आया, पर है क्या इस ट्रैफिक में? तो एक्चुअली प्रोटोकॉल फील्ड क्या बताती है? प्रोटोकॉल फील्ड में आप एक हेक्साडेसिमल वैल्यू डालते हो। क्या डालते हो? एक हेक्साडेसिमल वैल्यू, जो वैल्यू बताएगी कि लेयर थ्री हेडर के साथ जो ट्रैफिक एनकैप्सुलेटेड है, क्या है? एनकैप्सुलेटेड है, वो एक्चुअली है क्या? जैसे कि वो ICMP भी हो सकता है, वो EIGRP भी हो सकता है, वो OSPF भी हो सकता है, वो TCP भी हो सकता है, वो UDP भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है यार, इट कैन बी एनी प्रोटोकॉल। तो इन सब प्रोटोकॉल में से वो कौन सा प्रोटोकॉल है, इसकी इंफॉर्मेशन कौन सी फील्ड देती है? प्रोटोकॉल फील्ड। और प्रोटोकॉल फील्ड में इन पर्टिकुलर प्रोटोकॉल्स के लिए क्या डिफाइन की गई है? एक हेक्साडेसिमल वैल्यू। जैसे टाइप फील्ड होती है कौन सी लेयर पे? कौन सी लेयर पे? लेयर टू पे, जो बताती है हाँ भाई लेयर टू से ऊपर कौन सा प्रोटोकॉल आप यूज कर रहे हो। Everything is clear? कोई प्रॉब्लम किसी को इसमें? तो जैसे ICMP के लिए वैल्यू 1 है, EIGRP के लिए 88 है, OSPF के लिए 89 है, TCP के लिए 6 है, UDP के लिए 17 है। ये सब वैल्यूज डिफाइन है किसमें? प्रोटोकॉल फील्ड में। और ये क्या डिफाइन करती है कि कौन सा प्रोटोकॉल आप लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद यहां एक फील्ड आती है चेकसम। तो चेकसम मैंने आपको बताया इस हेडर कंटेंट पे क्या चलती है, एक क्या बोलते हैं उसको, CRC साइक्लिक रिडंडेंसी चेक्स चलते हैं, जिसकी हेल्प से एक चेकसम कैलकुलेट होता है और इस चेकसम फील्ड में एंटर कर दिया जाता है। बस ये था जी आपका IP हेडर, तो हमने पढ़ लिया। कोई दिक्कत है इसमें तो आप पूछ सकते हो दोबारा। तो हमने राउटर के बारे में बात कर ली गाइस, राउटिंग के बारे में बात कर ली हमने, और IP हेडर के बारे में बात कर ली, ठीक है। अब मेरा पहला टॉपिक क्या आता है? क्या टॉपिक का नाम? स्टैटिक राउटिंग, ठीक है जी। अब स्टैटिक राउटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि स्टैटिक राउटिंग होती क्या, क्योंकि स्टैटिक राउटिंग पर मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। इट्स लाइक कि मैं सिर्फ एक ओवरव्यू देके आपको छोड़ दूंगा। हाँ जी, इट इज प्रोवाइडेड बाय, ठीक है जी, इट इज प्रोवाइडेड बाय एडमिनिस्ट्रेटर, और इट इज स्टैटिकली डिफाइंड बिटवीन
we have to mention the exit path to towards your overhead और आपके मैं सारे पॉइंट लिख रहा हूँ और बताओ एडी क्या होती है स्टैटिक राउटिंग की मीट्रिक क्या होती है मीट्रिक क्या होती है जीरो सबको ये चार बातें पता है पक्का तो दिक्कत ये बात बिल्कुल सही कही इन्होंने कि भाई बड़े नेटवर्क में आप स्टैटिक राउटिंग यूज नहीं कर सकते प्रॉब्लम आती है बैकअप नहीं बना पाते ये सीरियल इंटरफेस है फास्ट इथरनेट तो सबने देखा होगा ठीक है भाई देखो अब जादू यहाँ आईपी 12.1 है यहाँ आईपी 12.2 है R1 है ये फास्ट इथरनेट इंटरफेस है दूसरे केस में यहाँ आईपी 12.1 है यहाँ आईपी 12.2 है मैंने आल टू बैक लूप बैक बनाया केस दोनों सेम है बिल्कुल लेकिन एक में इंटरफेस कौन सा सीरियल और एक में फास्ट इथरनेट ठीक है भाई अब मैंने ना R1 पे एक राउट डाला स्टैटिकली देखो क्या डाला ध्यान से आईपी R1 पे /32 डाल दूं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सबनेट मास्क को कंफ्यूज मत होना किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और मैंने लिख दिया नेक्स्ट हॉप 12003 क्या लिख दिया 12003 लिख दिया भाई कोई दिक्कत किसी को कोई प्रॉब्लम कम्युनिकेशन हो जाएगा दोनों केसेस में नहीं होगा अगर आपको पता है ना कम्युनिकेशन होगा या नहीं होगा तो आपको बेसिक क्लियर है कि भाई नेक्स्ट स्टॉप क्या होता है और एग्जिट इंटरफेस क्या होता है अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे मेरे को स्टैटिक राउटिंग में एक ही बात करनी है बस ज़्यादा नहीं बात करेंगे तो आपको 10 मिनट दिए ब्रेक है आपके पास सो सकते हो हाँ देख लेते हैं तो क्वेश्चन था आप लोगों से कि क्या इन दोनों केसेस में कम्युनिकेट हो जाएगा नहीं हो पाएगा सर नहीं हो पाएगा ठीक है आप आपने जैसा कहा मैंने वैसा मान लिया तो आपके सामने R1, R2, R3, R4 ठीक है जी तो मैं R3, R4 को भी ऐसे ही ट्रीट करूंगा जैसे वो R1 और R2 हो ठीक है जी मेरे को आपको दोनों केसेस करके दिखाने हैं ना ठीक है जी
स्टैटिक रूट, ठीक है जी। 10.0.0 तीन आईपी दे दी मैंने, रूट गलत दे दिया आपके सामने, ठीक है जी। ये आईपी क्या दूंगा, इस पर लूपबैक बनाता हूँ, आईपी एड्रेस तो मैंने R1 और R2 कॉन्फ़िगर कर लिया, दिखाऊं, देखो जी आईपी देख सकते हो आप, 10.0.0.1 को इशू, 10 का रूट है राउटिंग टेबल में, कोई प्रॉब्लम, ठीक है जी। 2 के लिए भी रूट है और नेक्स्ट हॉप क्या है, 10.0.0, ठीक, जो कि गलत है जैसा कि आपको पता। इंटरफेस पे आईपी देखो और एक लूपबैक भी बना रखा, कोई प्रॉब्लम, पिंग हुआ जैसा कि आप लोगों ने कहा था, पिंग नहीं होगा। दूसरे केस पे आते हैं, सॉरी ये इंटरफेस नंबर है मेरा, सेम काम यहां कर दूं, जय माता दी। 10.0.0 दोबारा रूट का दे दिया, R4 पे आ गया, इंटरफेस सीरियल 1/0, आईपी एड्रेस 10.0.0, R3 पे आ गया, देखो जी शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, आईपी दे रखी है, कोई प्रॉब्लम, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, हमने आईपी भी दे रखी है, शो आईपी राउट भी है राउटिंग टेबल में, कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई इशू हो, यहां भी 2 का नेटवर्क कनेक्टेड है, कोई दिक्कत, पिंग मारू, जबकि मैंने शो आईपी रूट में क्या लिख रखा, वाया किसके जाना चाहिए, 10.0.0, ठीक है, मतलब एक केस में पिंग हो रहा है और एक केस में पिंग नहीं हो रहा, रीजन, व्हाट्स द रीजन, इस केस में पिंग क्या हो गया और इस केस में पिंग नहीं हुआ। अब मेरा क्वेश्चन, जो मेरा क्वेश्चन था जो आपको इस मुद्दे पे लेके जाएगा, यार जब एग्जिट इंटरफेस था तो नेक्स्ट हॉप बनाया क्यों गया, जब मेरे पास एग्जिट इंटरफेस नाम की चीज थी तो मैंने नेक्स्ट हॉप बनाया ही क्यों, ठीक। तो मेरा वही क्वेश्चन है भाई, यू आर वेरी राइट कि नेक्स्ट हॉप नेक्स्ट राउटर का और एग्जिट इंटरफेस मेरा, इतनी बात सबको पता, मेरा क्वेश्चन ये है कि नेक्स्ट हॉप बनाया क्यों, सर समटाइम जब 2 पाथ होते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर पाथ से ट्रैफिक को डिफाइन करना, एक केस है आपका ये, और एक केस है आपका ये, ठीक है जी। दोनों में आप नेक्स्ट स्टॉप भी यूज कर सकते हैं और एग्जिट इंटरफेस भी यूज कर सकते हैं। आज का सिर्फ यही काम है समझना कि ये नेक्स्ट स्टॉप बनाया क्यों गया। आपको क्या लगता है क्या लॉजिक होगा, प्रोजेक्टर भी लग गया आप तो साफ दिख रहा है बिल्कुल, हाँ बहुत आसान है, इट्स नॉट डिफिकल्ट, सोचो थोड़ा सा आपको ही बता देंगे। यू आर वेरी राइट, बट ये लोग आपकी बात नहीं समझ पाए, कोई समझ पाए इनकी बात, एक्चुअली सर जब सपोज ये R1 है वो R2 है, R2 पे हमारा एक स्विच कनेक्टेड है, स्विच से हमारे बहुत सारे PCs लगे, वेरी गुड, ठीक है,
हमने कुछ डेटा सेंड किया R2 की तरफ, ठीक है जी, एग्जिट इंटरफेस से उसको पता है कि वहां वहां से R1 R2 के सीरियल इंटरफेस 1/0/0 पे वहां पे डेटा पूछा, फिर अब वहां से पता है कि हमें उसको वहीं पे पता है कि हमें किस आपको पता है बात का। अब प्रॉब्लम क्या है यार, देखो यहाँ मैंने कहा 10.1 IP है, यहाँ 10.2 है, यहाँ 10.3 है, ठीक है, यहाँ मैंने कहा 10.1 IP और यहाँ 10.2 है, ये इंटरफेस FA0/0, ये भी 0/0, ये भी 0/0, ये सीरियल 0/0, ये भी सीरियल 0/0, मार्किंग कर लेते हैं पहले। अब लेट्स से ट्राई टू अंडरस्टैंड द फैक्ट, फैक्ट क्या है, R1 को ये लैन B है, ये लैन कौन सी है C, ये लैन कौन सी है A, लैन A को लैन B से बात करनी है, ठीक है भाई, लैन A को किससे बात करनी है, मैं कहता हूं सिर्फ एक ही वे एग्जिस्ट करता है और वो वे कौन सा है, कौन सा वे है वो, एग्जिट इंटरफेस, ठीक है जी। आप R1 को क्या बता दोगे, भाई तेरे को B नेटवर्क पे जाना हो या फिर C नेटवर्क पे जाना हो, तेरे लिए एग्जिट इंटरफेस क्या होगा, FA0/0, ये हमेशा याद रखना किसका होता है, सेल्फ मतलब अपना, सेल्फ मतलब अपना, इट्स ओन एग्जिट इंटरफेस आपने डाल दिया। अब R1 भाई के पास ट्रैफिक आया, R1 ने देखा सोर्स IP क्या है A1, डेस्टिनेशन IP क्या है लेट से B1, R1 को राउटिंग टेबल में एंट्री मिली या B या C नेटवर्क पे जाने के लिए एग्जिट इंटरफेस कौन सा FA0/0, लेकिन ये मीडिया कौन सा यूज कर रहे हो आप, फास्ट ईथरनेट, तो जब भी फास्ट ईथरनेट मीडिया पे ट्रैफिक जाएगा लेयर टू हेडर लग के जाएगा, फास्ट ईथरनेट मीडिया पे लेयर टू हेडर में कौन सी इंफॉर्मेशन होगी, सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक, मतलब R1 को जब तक R2 के इस इंटरफेस का मैक एड्रेस नहीं पता होगा R1 ट्रैफिक भेज नहीं सकता, भेज सकता नहीं, एग्री नहीं भेज सकता ना, और आपने R1 को नेक्स्ट स्टॉप के बारे में कुछ बताया भी नहीं है, आपने तो R1 को सीधा ये बता दिया भाई एग्जिट इंटरफेस क्या है FA0/0, तो R1 को प्रॉब्लम क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, सोर्स IP क्या थी A1, डेस्टिनेशन IP क्या थी B1। अब R1 का रूल क्या बनता है, R1 को ट्रैफिक R1 को जब भी ईथरनेट ट्रैफिक इंटरफेस पे ट्रैफिक भेजना है R2 को उसके साथ लेयर 2 हेडर लगा के भेजना है R1 को, एग्री, बिना R1 लेयर 2 हेडर लगाए ट्रैफिक को भेज नहीं सकता, एग्री, दिस थिंग इज क्लियर। अब R1 के पास ट्रैफिक आया, सोर्स IP थी A1, डेस्टिनेशन IP क्या थी B1, आपने राउटर को क्या बताया कि B नेटवर्क पे जाने के लिए किस इंटरफेस पे जाओ, तो राउटर को क्या लगा कि बी नेटवर्क सीधा किससे कनेक्टेड है, FA0/0 से क्या लगा राउटर को के बी नेटवर्क सीधा किससे कनेक्टेड है FA0/0 से। मैं आपको ये चीज साथ के साथ करके दिखा देता हूं R1 और R2 के बीच में, डू शो रन सेक्शन IP राउट, ये मैं टोटल रनिंग कॉन्फ़िगरेशन से सिर्फ क्या देख रहा हूं कि कितने राउट मैंने मैनुअली कॉन्फिगर किए हुए, मैंने इस कमांड को क्या कर दिया रिमूव, मैंने कमांड डाली IP स्पेस राउट 2.2.2.2.2.2.5.2.2.5.2.2.5.2.5 एग्जिट इंटरफेस FA0/0, बात खत्म, शो IP राउट स्टैटिक, शो IP राउट पे देख लो क्या लग रहा है इसको कि दो का नेटवर्क भी किससे कनेक्टेड है FA0/0 से, क्योंकि मैंने कोई नेक्स्ट हॉप प्रोवाइड नहीं की, मैंने सीधा ही क्या दे दिया एग्जिट इंटरफेस, एग्री, उसको अब लग रहा है कि 10 का नेटवर्क तो एक्चुअली कनेक्टेड है ही, लेकिन आपने राउटर को ऐसा बताया कि 2 का नेटवर्क किससे गया कनेक्टेड है। अब चले राउटर पे, एग्री, इतनी बात क्लियर हुई, जबकि जब मैं नेक्स्ट हॉप से राउट डालता था ना राउटिंग टेबल में ऐसा दिखता था वाया 10.0.0.3, ये क्या, इसके बारे में भी अभी बात करेंगे, पहले ये समझ लो। तो राउटर को लग रहा है कि 2 का नेटवर्क उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, प्रॉब्लम क्या है, सोर्स IP क्या थी A1, डेस्टिनेशन IP क्या थी B1, R1 के इस इंटरफेस पे ट्रैफिक रिसीव हुआ, R1 को पता चल गया हाँ भाई मुझे B नेटवर्क के बारे में पता है, R1 ने ट्रैफिक को ट्रैफिक के साथ क्या किया, इस इंटरफेस से इस इंटरफेस पे ट्रैफिक को क्या कर दिया स्विच। अब इस इंटरफेस पे ट्रैफिक आया, इस इंटरफेस पे ट्रैफिक आने के बाद लेयर 2 हेडर ऐड होगा उसके साथ, जैसा कि मैं आपको अब तक बता रहा था। अब
आर वन को अगर बी वन के पास ट्रैफिक भेजना है तो आर वन को बी वन का क्या पता होना चाहिए? मैक एड्रेस। आर वन को बी वन का क्या पता होना चाहिए? मैक एड्रेस। तो आर वन क्या करेगा अपने इस एग्जिट इंटरफेस से? अब ट्राई टू अंडरस्टैंड आर वन एग्जिट इंटरफेस कैसे फाइंड आउट करता है, मैं आपको सारा प्रोसेस समझा रहा हूं। आर वन के पास ट्रैफिक रिसीव हुआ, आर वन ने देखा सोर्स आईपी क्या, ए वन डेस्टिनेशन आईपी क्या, बी वन। आर वन ने अपने राउटिंग टेबल देखी, हाँ भाई बी का नेटवर्क कनेक्टेड है, बी के नेटवर्क के बारे में मुझे पता है, बी के नेटवर्क पे जाने के लिए ट्रैफिक एफ ए 0/0 से बाहर भेज दो। लेकिन बाहर भेजने से पहले उसको ऐड क्या करना था? लेयर टू हेडर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। अब आर वन बी वन के पास ट्रैफिक और लेयर टू हेडर तभी ऐड कर सकता है जब उसे किसके बारे में बताओ, किसके बारे में बताओ, डेस्टिनेशन मैक के बारे में। भाई एक बात बताओ, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो इस चीज को लेकर। ये राउटर है, ये एक यूजर है, ये भी एक यूजर, ए बी सी डी 10.1 10.10 20.1 20.20। इस यूजर को इस यूजर से बात करनी है तो यूजर ट्रैफिक उसको भेजेगा राउटर को। अब राउटर लेयर टू इंफॉर्मेशन में सोर्स मैक क्या रखेगा? डी, और डेस्टिनेशन मैक क्या रखेगा? बी। इसका मतलब राउटर लेयर टू इन्फो को क्या कर देगा? चेंज। सेम चीज मैं यहां कर, सेम बात मैं यहां कर रहा हूं कि राउटर को ट्रैफिक किसके पास भेजना है? अब बी वन के पास। राउटर को क्या लग रहा है? बी वन पे ट्रैफिक भेजने के लिए इंटरफेस से बाहर भेज दो। लेकिन राउटर की राउटिंग टेबल क्या बता रही है कि दो का नेटवर्क भी इससे क्या है? डायरेक्टली कनेक्टेड। जिसकी वजह से आर वन क्या करेगा? एक आर्क जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा? एक आर्क। सोर्स आईपी में क्या रखेगा? 10.1, क्योंकि उसके एग्जिट इंटरफेस की आईपी क्या है? 10.1। डेस्टिनेशन आईपी में क्या रखेगा? क्या रखेगा? बी वन, क्योंकि उसे 10.2 के बारे में तो पता ही नहीं है। भाई तुमने बताया ही नहीं है। तो डेस्टिनेशन आईपी में क्या रखेगा? 10.2, और एक आर्क जनरेट कर देगा। आर्क किसके पास आएगी? स्विच के पास। स्विच से क्या मारेगा? ब्रॉडकास्ट। अब आर टू के पास आर्क आएगी, आर टू के इंटरफेस पे आर्क रिसीव होगी। आर टू कहेगा डेस्टिनेशन आईपी आर्क में क्या आई है? बी वन, और मेरे इंटरफेस की आईपी क्या? 10.2। मतलब ये आर्क मेरे लिए नहीं है। आर थ्री भी सेम करेगा, सेम काम करेगा, उस आर्क को क्या कर देगा? ड्रॉप। इसका मतलब कभी कम्युनिकेशन होगा ही नहीं। देखो मैंने क्या बोला यार, यार नॉर्मली लॉजिक क्या होता है, मैं एक यूजर हूं, आप एक यूजर हो, बीच में ये एक राउटर है, तो मैं जब ट्रैफिक भेजूंगा ना, मैं तेरे को डायरेक्टली नहीं भेज सकता, क्योंकि तू मेरी ब्रॉडकास्ट डोमेन में नहीं है, और मैक एड्रेस सिर्फ कहा रहता है एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन में। एग्री इस बात से? तो मैं तेरे को ट्रैफिक सीधा नहीं भेज सकता, मैं ट्रैफिक भेजूंगा राउटर को। मैंने राउटर को ट्रैफिक भेजा, राउटर ने उसमें क्या किया? लेयर टू इन्फॉर्मेशन चेंज करके तेरे को भेज दिया। वही बात मैंने यहां करी कि राउटर के पास ट्रैफिक आया, राउटर ने देखा डेस्टिनेशन आईपी क्या? बी वन। अब राउटर क्या कर सकता था? राउटर ट्रैफिक पहले आर टू को भेज सकता था या फिर आर थ्री को भेज सकता था, लेकिन मैंने राउटर को नेक्स्ट हॉप के बारे में नहीं बताया, मैंने डायरेक्टली इसके बारे में बता दिया, एग्जिट इंटरफेस के बारे में, जिससे राउटर को क्या लग रहा है कि बी नेटवर्क भी इससे क्या है? डायरेक्टली कनेक्टेड। जिसकी वजह से आर वन बी नेटवर्क के लिए क्या जनरेट कर दे रहा है? आर। आर किसके पास आएगी? आर टू और आर थ्री के पास, और आर टू और आर थ्री उस आर के लिए कभी भी रिप्लाई नहीं करेंगे। एग्री? जब आर टू और आर थ्री रिप्लाई नहीं करेंगे तो ए नेटवर्क के यूजर बी नेटवर्क के यूजर से कभी बात कर ही नहीं पाएंगे। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए एक मिनट यार, प्रॉक्सी आर्क दैट इज टोटली अ डिफरेंट थिंग, वो एक फीचर है जो इंटरफेस पे इनेबल्ड होता है, ठीक है जी। मैंने इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए राउटर को क्या बताना शुरू किया? नेक्स्ट हॉप। मैंने अब आर वन को बताया तेरे को अगर बी नेटवर्क पे जाना है, इंस्टेड ऑफ टू एग्जिट इंटरफेस एफ ए 0/0 को फॉलो करे, तेरे को मैं नेक्स्ट हॉप बता देता हूँ। नेक्स्ट हॉप क्या है? 10.0.0। क्या नेक्स्ट हॉप है? 10.0.0.2। अब आर वन के पास क्या होगा? जैसे ही आर वन के पास ट्रैफिक आएगा बी नेटवर्क के लिए, आर वन राउटिंग टेबल चेक करेगा, राउटिंग टेबल चेक करे, राउटिंग टेबल में किसकी इन्फॉर्मेशन मिली? नेक्स्ट हॉप की। नेक्स्ट हॉप क्या है? 10.0.0.2। तो आर वन ने क्या जनरेट कर दी? आर। किसके लिए? 10.0.0.2 के। इसके लिए आर जनरेट कर दिया डायरेक्टली 10.0.0.2 के लिए। आर गई 10.0.0.2 के पास, उसने रिप्लाई किया, इसके बाद डेस्टिनेशन मैक आ गया और उसने अपने मैक से रिप्लाई कर दिया। इसका मतलब मल्टी एक्सेस सेगमेंट पे हमेशा मैं कौन सा तरीका यूज करता हूं? नेक्स्ट हॉप, क्योंकि वहां पे कौन सा फिनोमेनन चलता है? आर। जब तक मुझे सामने वाले का आईपी नहीं पता होगा, मैं मैक एड्रेस रिजॉल्व नहीं कर सकता। नॉर्मल सी बात है, बिना आईपी के मैक रिजॉल्व नहीं कर सकते। आपको आर्क का मतलब भी पता होगा, आर्क होती क्या? एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, जो क्या काम करती है? आईपी से मैक को
रिजॉल्व करती है, तो जब तक मैं यहाँ पे नेक्स्ट ऑफ आईपी नहीं दूंगा तब तक मैं मैच को रिजॉल्व नहीं कर पाऊंगा. एग्री? अब इस वे में लेट्स से पहले कौन सा केस लिया था मैंने, एग्जिट इंटरफेस का. मैंने आर वन को बता दिया भाई यहाँ आर, लेट्स से आर टू के पीछे क्या एग्जिस्ट करता है, क्या एग्जिस्ट करता है, बी नेटवर्क. मैंने आर वन को बता दिया भाई बी पे जाने के लिए तेरे लिए एग्जिट इंटरफेस क्या है, एस जीरो स्लैश जीरो. आर वन के पास ट्रैफिक आया, आर वन ने क्या किया, ट्रैफिक रिसीव किया, एग्जिट इंटरफेस देखा और आगे फॉरवर्ड कर दिया. अब इस केस में मैंने क्या किया, फिर नेक्स्ट स्टॉप दी, तो आर वन ने क्या देखा, हाँ भाई ट्राई टू अंडरस्टैंड आर वन क्या देख रहा है मैं आपको यहां बता देता हूं, यहां ज्यादा आसान है समझना. शो आई पी रहा हूं, आर थ्री के पास ट्रैफिक आया, ये मेरा आर वन है इस केस में, लेट से आर वन के पास ट्रैफिक आया, आर वन ने देखा हाँ भाई मुझे डेस्टिनेशन नेटवर्क के बारे में पता है, नेक्स्ट स्टॉप क्या 10.003. फिर आर वन ने सोचा मैं नेक्स्ट स्टॉप का करूंगा क्या, मुझे तो नेक्स्ट स्टॉप की जरूरत है ही नहीं, क्यों नहीं है, इंटरफेस कौन सा है, इंटरफेस कौन सा, एक्चुअली इंटरफेस कौन सा है, सीरियल, तो मुझे नेक्स्ट स्टॉप नहीं भी बताओगे फिर भी चलेगा, मुझे नेक्स्ट स्टॉप से कोई लेना देना नहीं है. सीरियल इंटरफेस के केस में हमेशा आपको एग्जिट इंटरफेस प्रोवाइड करना होता है, कभी भी नेक्स्ट स्टॉप यूज करनी नहीं होती. क्यों नहीं होती, देखो अगर आप सीरियल इंटरफेस के केस में नेक्स्ट स्टॉप यूज कर रहे हो तो आप राउटर का काम बढ़ा रहे हो, क्या बढ़ा रहे हो काम, क्यों, राउटर के पास ट्रैफिक आया 2.2.2 के लिए, राउटर ने सबसे पहले क्या चेक करी, नेक्स्ट स्टॉप, फिर देखा उस नेक्स्ट स्टॉप पे कनेक्टेड नेटवर्क कौन सा नेटवर्क है 10 का, वो कौन सा इंटरफेस से कनेक्टेड है, सीरियल से. ट्रैफिक आया राउटर के एक इंटरफेस पे, दूसरे इंटरफेस पे उसने सीरियल पे जो भी एनकैप्सुलेशन चल रही होगी, इट कैन बी एचडीएलसी, इट कैन बी टीपीपी, हेडर लगाया और आगे फॉरवर्ड कर दिया. इसका मतलब सीरियल इंटरफेस के केस में कभी भी नेक्स्ट स्टॉप प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ किसमें पड़ती है, फास्ट इथरनेट, क्योंकि फास्ट इथरनेट में कौन सा प्रोसेस काम करता है, आर, कौन सा प्रोसेस काम करता है, आर. इस क्लियर कि मैं नॉर्मली एग्जिट इंटरफेस कब यूज करता हूं और नेक्स्ट हॉप कब यूज करता हूं, तो जब भी इथरनेट सिनेरियो होता है आप क्या यूज करते हो, नेक्स्ट हॉप, और जब भी सीरियल लिंक सिनेरियो होता है आप क्या यूज करते हो, एग्जिट इंटरफेस. और मैंने आपको रीजन भी बताया कि ऐसा क्यों है. अगली बात पे चलते हैं यार, बहुत जरूरी है ये भी, कि पहले केस में पिंग क्यों नहीं हुआ और दूसरे केस में पिंग क्यों हो गया. तो पहले केस में आते हैं, पहले में लिंक कौन सा है, फास्ट इथरनेट, इसमें पिंग हुआ था, नहीं हुआ. करके देख लेते हैं दोबारा, हो गया भाई, मैंने राउट चेंज कर दिया था ना, देखो शो आईपी राउट, मैंने एग्जिट इंटरफेस डाल दिया था ना तभी पिंग हो गया, वरना पिंग कभी भी नहीं होता. क्यों नहीं हुआ और दूसरे केस में क्यों हो गया, ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैंने पहले इस पे राउट दिया गया था, मैं बताता हूं, अभी दिखा देता हूं आपको, मैंने राउट कुछ ऐसे दिया था, देखो ध्यान से, इधर को तो राउट दिखाना, ये राउट दिया था मैंने, दिख रहा सबको. अब मैं आपको मतलब समझा रहा हूं इस राउट का, राउटर के बाद जब भी 2.2.2 के लिए ट्रैफिक आएगा, अपने नेक्स्ट स्टॉप क्या डिफाइन कर रखी है 10.002, राउटर को पता रहेगा आर किसके लिए जनरेट करनी है 10.002 के लिए. तो इस केस में पिक नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, मैंने नेक्स्ट स्टॉप क्या दी थी 10.003, याद है आपको, मैंने नेक्स्ट स्टॉप क्या दी थी 10.003, उसने आर जनरेट करी 10.003 के लिए, सामने वाले ने रिप्लाई नहीं किया क्योंकि सामने वाले इंटरफेस पे आईपी कौन सी थी 10.002, लेकिन दूसरे केस पे पिंग हो गया क्योंकि उसमें उसने नेक्स्ट स्टॉप का कुछ यूज किया ही नहीं ना, उसने सीधा क्या देखा एग्जिट इंटरफेस, क्योंकि उसमें कोई आर जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ी. ठीक है जी, तो सीरियल के केस में हमेशा एग्जिट इंटरफेस और फास्ट इथरनेट के केस में हमेशा नेक्स्ट स्टॉप, याद रखना इस चीज को. प्रोसेस देखना चाहोगे, देख ले, अरे सब हो जाएगा, भगवान देख रहा है.
ठीक है जी, सेम सिचुएशन क्रिएट कर दी पिछली बार वाली। शो आईपी राउट, देखो जी नेक्स्ट हॉप क्या दे रखी है, नहीं हुआ पिंग, शो आई पी आर्प, देखो आर्प क्या आ रही है, आर्प क्या आ रही है, इनकम्प्लीट, मतलब वो आर्प जनरेट किसके लिए कर रहा है, 10.0.0 3 के लिए, लेकिन आर्प रिजॉल्व नहीं हो रही। लेकिन यार अब एक बात और है, देखो जी ध्यान से, बहुत डू शो रन सेक्शन आई पी, मैं इस रूट को ना चेंज कर रहा हूँ, अब ध्यान से देखना किससे डाल दिया मैंने रूट, डन, ध्यान से देखना, मैंने पिंग मारा किसको, पहले राउटिंग टेबल देख लेते हैं, शो आईपी रूट, राउट किससे है, एग्जिट इंटरफेस से, तो दिक्कत, मैंने पिंग मारा किसको, दो डॉट, हो गया पिंग। सबसे पहली बात जो मेरे माइंड में आएगी, क्या इस बार भी तो इसने आर पे यहां से डायरेक्टली 2.2.2 के लिए जनरेट की होगी, तो आर टू ने रिप्लाई कैसे कर दिया, बात दिखाता हूं मैं आपको, जब यार आर टू के पीछे लूप बैक एग्जिस्ट करता है 2.2.2.2, ये आई पी क्या है 10.1, ये आई पी क्या है 2, ये आई पी क्या है 10.2, मैंने R1 पे एक राउट दिया, आई पी स्पेस राउट 2.2.2.2, एग्जिट इंटरफेस FA0/0, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, R1 ने यहाँ से क्या जनरेट किया होगी, R सोर्स आई पी में क्या रखा होगा 10.1, और डेस्टिनेशन में क्या रखा होगा 2.2.2.2, और R2 ने फिर भी रिप्लाई कर दिया, ये कैसे रिप्लाई कर दिया, तो R2 के इंटरफेस पे बाय डिफॉल्ट एक फीचर चल रहा होता है, उस फीचर का नाम क्या होता है, क्या नाम है, प्रॉक्सी आर फीचर की वजह से ये हमारा पिंग सक्सेसफुल हुआ। प्रॉक्सी आर क्या होता है अभी बात करते हैं, देखो जी शो आई पी आर दिखाया मैंने पहले आपको, तो एक्चुअली अभी भी इसको 10.0.0.2 का मैक एड्रेस नहीं पता, इसको मैक एड्रेस डायरेक्टली अभी भी किसका पता, इधर देख भाई किसका पता मैक एड्रेस 2.2.2 का, इसको क्या मैक एड्रेस पता, 0202C202 02D00000, ये किसका मैक एड्रेस है एक्चुअली, शो इंटरफेस FA0/0 सेक्शन एड्रेस, ये मैक एड्रेस है R2 के FA0/0 का। तो हो क्या रहा है, R1 यहां से R जनरेट कर रहा है किसके लिए 2.2.2 के लिए, और R2 अपने FA0/0 इंटरफेस से क्या कर दे रहा है, रिप्लाई, क्यों भाई, प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है, टेल मी द मीनिंग ऑफ प्रॉक्सी, प्रॉक्सी का मतलब होता है किसी की आइडेंटिटी के बेसिस पे कुछ करना, क्या करना, किसी की आइडेंटिटी के बेसिस पे कुछ करना। अब R2 के पास एक्चुअली आर आई किसके लिए, 2.2.2 के लिए आई। अब R2 ने क्या सोचा, यार मैं पता है क्या करता हूं, 2.2.2 के लिए रिप्लाई कर देता हूं, क्योंकि मैं 2 के नेटवर्क को जानता हूं, क्योंकि मैं 2 भाई 2 का नेटवर्क R2 से क्या डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो R2 ने क्या किया, 2 के नेटवर्क के लिए खुद के इंटरफेस के मैक एड्रेस से ही क्या कर दिया, रिप्लाई कर दिया। क्यों रिप्लाई कर दिया, क्योंकि R2 के इस इंटरफेस पे कौन सा फीचर अनेबल था, प्रॉक्सी आर, कौन सा फीचर अनेबल था, अभी दिखाता हूँ यार आपको, आर भी दिखाता हूँ, मैंने कैप्चर की हुई है, ये तो बाय डिफॉल्ट ही इनेबल होता है। हाँ जी अभी दिखाता हूँ, डिसेबल कैसे करते हैं, देखो जी यार ध्यान से, हाँ R2 अपने राउटिंग टेबल में देखेगा, हाँ भाई उसे 2 के नेटवर्क के बारे में पता है या फिर नहीं पता, अगर नहीं पता होगा तो प्रॉक्सी आर से कभी भी रिप्लाई नहीं करेगा, प्रॉक्सी आर डिसेबल्ड होगा तो कभी, हाँ अभी प्रॉक्सी आर डिसेबल करके भी दिखाऊंगा, एक मिनट ये देखो,
ये आर वन ने क्या करिए, आर जनरेट करिए, हु हैज 2.2.2. देख सकते हो आप यहाँ आर एक्चुअली किसके लिए जनरेट हुई है, 2.2.2 के लिए। किसने जनरेट किया, 10001। ठीक है भाई, आर जनरेट हुई, 2.2 ने रिप्लाई किया है। देखो अब इसने क्या किया, 2.2.2 ने, आर टू ने एक्चुअली क्या किया, 2.2 के लिए अपने एग्जिट इंटरफेस का ही क्या दे दिया, नागेट। ठीक है जी, यही मैंने आपको दिखाया, देख सकते हो आप आर वन पे। टू डॉट टू के लिए क्या मैक एड्रेस बता रहा है, C202 2D02D00000। तो आप ये यहां भी चेक कर सकते हो, सेम है। ठीक है जी, यही मैक एड्रेस बता रहा है आर टू भी। उसके बाद आपका पिंग सक्सेसफुल हुआ है, आप देख सकते हो अगर ट्रैफिक कैप्चर देखना है। ये उसके बाद पिंग पैकेट सेंड हो गए हैं, ये पहले आर जनरेट हुई किसके लिए, 2.2.2 के। ठीक है जी, अब मैं क्या करता हूँ, देखो जी ध्यान से, शो आईपी इंटरफेस FA0/C। प्रॉक्सी आर्प क्या है, चेक करने के लिए कमांड क्या है, शो आईपी इंटरफेस, याद रखना। तो देखा मैंने प्रॉक्सी आर्प एनेबल है, डिसेबल करने के लिए क्या करेंगे, नो आईपी, क्या मार दिया राउटर को, रीलोड क्यों मारा है यार, इसका आर्प कैसे डिलीट नहीं होता, वरना आर्प कैसे डिलीट ही नहीं होगा तो दोबारा आर्प जनरेट ही क्यों करेगा वो, तो आर्प कैसे डिलीट हो, तो इसलिए मैंने राउटर क्या मार दिया। स्टार्ट होते हैं ना इसमें रीलोड, मैं तो ऐसा भी कर सकता, वेट कर लेते हैं। देखो जी ध्यान से, आर वन के इंटरफेस पे अभी भी यही आईपी है, मैंने 2.2.2 के लिए रूट कैसे दिया हुआ है, आर टू पे चलते हैं, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, सेम आईपी है, कोई प्रॉब्लम। तो आप देख सकते हो मैंने इंटरफेस पे प्रॉक्सी आर्प क्या कर दिया, डिसेबल, वेरीफाई करने के लिए शो आईपी इंटरफेस FA0/0, दोबारा जा सकते हो आप यहाँ। अब आप देख सकते हो प्रॉक्सी आर्प क्या है, डिसेबल। अब मैं अगर आर वन से पिंग करता हूँ किसको, ठीक है जी, पिंग नहीं हो रहा, दोबारा हमारा पिंग कह रहे हैं आर्प रिसीव हो रही है, डेस्टिनेशन किसके साथ, 2.2.2 के साथ हो रही है रिसीव, लेकिन ये रिप्लाई नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इसके इंटरफेस पे प्रॉक्सी आर्प क्या है, डिसेबल्ड, डिसेबल्ड है, इसकी टेबल में है नहीं भाई, इसकी टेबल में तो है वो एड्रेस, लेकिन अब आपने इसको बंद मना कर दिया है कि अगर टेबल में, हाँ जी, तो टेबल में एड्रेस क्यों होगा 2.2.2 के लिए, राउटिंग टेबल चेक करता है कि उसके इसको उस नेटवर्क के बारे में पता है या नहीं पता, इट विल चेक द राउटिंग टेबल। जैसे 2.2.2 के लिए आर्प रिक्वेस्ट आई है ना, तो देखेगा राउटिंग टेबल, इसे दो के नेटवर्क के बारे में पता होगा तभी अपने मैक एड्रेस से रिप्लाई करेगा, वरना अपने मैक एड्रेस से रिप्लाई नहीं करेगा। ठीक है भाई, तो इस केस में भी आप आर वन पे क्या देख सकते हो कि कोई एंट्री नहीं बनी, क्योंकि आर्प का कोई रिप्लाई नहीं। दोबारा क्या आ रही यार, इनकम। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम, तो नेक्स्ट हॉप कैसे काम करता है और एग्जिट इंटरफेस कैसे काम करता है, कोई इशू इस केस में बताओ यार, कोई इशू पिंग के बारे में भी बात नहीं करेंगे, एक आधी क्लास रुक जाओ, पिंग और ट्रेस रूट इकट्ठे पढ़ेंगे।
देख लो जी सीरियल इंटरफेस पे क्या होता है। R3 और R4 पे कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ, क्या समझ के उनको R1 और R2। सेम कॉन्फ़िगरेशन जो हमने लास्ट टाइम यूज़ की थी। आगे जी डाउट भी वॉइस चेक स्टार्ट कर लो। पिंग मार लो ऐसे किसको, हो गया जी। कोई आर्प वार्प सी जनरेट हुई, देखी ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे कौन सा एड्रेस ऐड होता है ट्रैफिक के साथ, HDLC। और HDLC सिर्फ दो चीजें बताता है, एक जो ट्रैफिक जा रहा है वो कैसा है यूनिकार्ड, दूसरी बात प्रोटोकॉल कौन सा यूज हो रहा है लेयर 3 पे IP। ठीक है भाई, ये HDLC हेडर की इंफॉर्मेशन होती है। सिस्को HDLC की बात कर रहा हूँ अब मैं, ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम किसी को। तो इसमें कभी भी लेयर टू एड्रेस की कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती, तभी सीरियल इंटरफेस के केस में कभी भी मुझे नेक्स्ट हॉप की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा किससे काम चल जाता है एग्जिट इंटरफेस। ठीक है भाई, इट्स ईजी टू अंडरस्टैंड। तो HDLC हेडर में दो ही चीजें होती हैं, एक ये बताता है एड्रेस कौन से टाइप का ट्रैफिक है, इट इज यूनिकास्ट मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट, और दूसरी चीज क्या बताता है प्रोटोकॉल कौन सा है लेयर 3 पे IP। ठीक है जी, याद रखना है। तो आज हमने देखा यार सीरियल इंटरफेस पे कम्युनिकेशन कैसे होता है, फास्ट इथरनेट पे कैसे होता है, एग्जिट इंटरफेस क्यों यूज करते हैं और नेक्स्ट हॉप क्यों यूज करते हैं। ठीक है भाई, आज के लिए बहुत है, पहली क्लास थी। ठीक है भाई, तो आपको यार कुछ होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क का एक रूल होता है, अगर आप पढ़ के नहीं आओगे हम होमवर्क के बारे में दोबारा बात नहीं करेंगे, इन सबको पता। ठीक है जी, वैसे कोई पढ़ के आता नहीं है, मैंने कम ही लोग देखे हैं जो पढ़ के आते हैं, एक दो क्लास तक चलता है बाकी। तो आप पढ़ के आ सकते हो यार कल, किसके बारे में, कल मैं डायनामिक राउटिंग शुरू करूँगा। ठीक है जी, हाँ सिर्फ टाइप्स पढ़ाऊंगा और कल एक ओवरव्यू दूंगा ये प्रोटोकॉल को कैसे देखते हैं। क्या आज ही दे दो, आधा घंटा भी हाँ, वही अभी बात करनी है, एक मिनट रुक जाना। कल आप पढ़ के आना यार, किसके बारे में, पिंग के बारे में।